जो बच्चे प्राइंग करेंगे वो जरा दांत में दिखाएं, उनके लिए मैंने डंडा रखा है, एक ये बेल्ट भी रखी है, ठीक है? अब जो बच्चे बिल्कुल प्राइंग नहीं करेंगे मैंने बताया है ना, ठीक है? और यहीं से कहा, एक मिनट सर, आपके ना आवाज नहीं आ रही प्रवीण जी, अभी भी आपकी आवाज निकल रही है, मैं तो हैरान हूँ, आवाज नहीं आ रही, वो म्यूट किया, और अनम्यूट कर दो आप। जी। हाँ बोलो सर। मैंने कहा सर जो दूर बैठे हैं उनके लिए क्या होगा सर? सर ये दूर तक भी पहुंच सकता है, अभी आपको पता नहीं गुरु जी की वो अरे मेहता का महिमा का पता नहीं आप सही है आपने वो देखा होगा ना, वो तीर छोड़ता है वो रामायण सीजन में, ठीक हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना? इसी प्रकार से डंडा भी पड़ता है, उसी प्रकार से गुरु जी का आशीर्वाद भी पड़ता है, दोनों चीजें पड़ता हाँ जी है। बिल्कुल चलो, सर बिल्कुल वो पिछली बार मैंने ये इसलिए डंडा निकाला था, पिछली बार मैंने कहा था कुछ आपको काम करना है, और दैट वाज इजी, कि आपको ये देखना है, मतलब फर्क क्या ना है कि जो प्लेनेट है वो कौन कौन से राशि का लॉर्ड है, ये आपको याद होना चाहिए। मंगल स्कॉर्पियो और एरीज का लॉर्ड है, सर याद है सर वो तो मेरे को। ठीक है ना? तो ये मेन जो चीज थी मैंने कही है, और एक जो है दशा का ऑर्डर जो है वो आपको याद होना चाहिए। दशा का ये ऑर्डर भी तो याद आज है तो मैं कोई यूज नहीं है, आज ये पहली चीज काम यूज करेंगे, ठीक है ना? ठीक है सर ठीक है, ठीक है वो सर मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब जो प्रिडिक्शन है उसका के लिए जो है मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो बेसिक बेसिक पढ़ा है, अब प्रिडिक्शन की तरफ हम और जो है ज्यादा आगे वो ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएंगे। तो ये मैंने एक पत्री बनाई है, जो मतलब हाइपोथेटिकल पत्री है, वैसी मैंने बनाई है समझाने के लिए सिर्फ, और ये मैंने प्लान लिख दिया नौ के नौ। तो मैंने हाँ लिखा जी प्लेसमेंट और लॉर्डशिप, तो जो प्लेनेट जैसे जन्म पत्री में होते हैं वो अपनी प्लेसमेंट जहां पर बैठे हैं और जहां के लॉर्ड होते हैं उसके रिजल्ट देते हैं। जैसे प्रवीण जी आप घर में बैठे तो हाँ जी एक आप अपने घर के रिजल्ट दोगे, एक कहीं ऑफिस में जरूर काम करते होंगे या फैक्ट्री में कहीं काम करते होंगे, है ना, या कोई एस्टेब्लिशमेंट में काम करते होंगे, तो एक आपका रिजल्ट वहां का आएगा। तो एक तो जहां बैठे हैं वहां का हाँ रिजल्ट, जी एक आपके घर का रिजल्ट, और एक आपके एस्टेब्लिशमेंट जहां आप काम करते हैं। तो तीन रिजल्ट ज्यादातर माने गए हैं, मतलब जैसे आप अपने दोस्त के घर गए वहां के रिजल्ट भी दोगे, हाँ जी हाँ जी ग्रोसरी शॉप में गए हो तो वहां के रिजल्ट दोगे, वहां पर पेमेंट करोगे, लेकिन हाँ जी हाँ जी परजाई घर से फोन करेगी, हाँ जी हाँ जी, वो भी लेने आना है, भी लेने आना, तो हमेशा चार चीजा खोल के आंदे हो, है ना? होते ही हाँ आप जी हाँ फिर आगे डांट खाने का जो रिचुअल है वो तो सभी बिल्कुल इंडियन मर्द को जो है वो, ठीक है, आपके मुस्कुराने से समझ आएगी मेरे को आगे की लाइन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी और एक अगर आपके ऑफिस से फोन आ गया तो मतलब लगातार हम जो है तीन जगह के रिजल्ट देते हैं, ऐसा ही प्लेनेट को भारतीय ज्योतिष में दिखाया गया, समझाया गया। जैसे ये वीनस है, हाँ वीनस जी कहाँ पर बैठा है ये मेरे को बताओगे प्रवीण जी, कौन से हाउस में, ठीक नौवें घर में बैठा है जी है ना? तो जब हाँ भी जी कोई प्लेनेट आया भारतीय ज्योतिष में, हम इसी प्रकार से लेंगे कि वो प्लेसमेंट का है उसकी, इट इज प्लेसमेंट इन हाउस, हाँ जी हाँ जी और लॉर्डशिप ऑफ हाउस। अब हमें लॉर्डशिप ऑफ हाउस चाहिए, अब कौन कौन से साइन का लॉर्ड है प्रवीण जी? दो लॉर्ड, एक तो जुपिटर का लॉर्ड हो गया जी वीनस, हाँ जुपिटर, हाँ जी जुपिटर मतलब ये 12वां जो जुपिटर का होता है जी और सर, वीनस का जो खुद होता है वो होता है 2 और 7 जी ठीक है ना सर? तो हमें हाँ ये, जी तो ये हमें हाउस देखना है, मतलब ये जुपिटर के हाउस में बैठा है एक तरीके से कह सकते हाँ हैं, जी जुपिटर की राशि में, बट वो उससे हमारे को मतलब नहीं है, हमारा मतलब है कि वीनस जो है वो नाइन्थ हाउस में बैठा है, और टू और हाँ जी सेवन हाँ जी का लॉर्ड है जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, तो हमें देखना है टू और सेवन, तो हाँ जी मेन जी कौन सा हाउस में है? ये 4-11 2 और 7 तो एक तो हो गया जी ये अपना जो राहु का ना अपना 2 तो हो गया जी अपना 11वां जी जी सर, और 7 हो गया जी अपना चौथा माता जी का जो है तो ये होएगा 4-11 लिखेंगे, तो वीनस विल गिव द रिजल्ट ऑफ 9-4-11। अदित्य हाँ जी हाँ जी जी और सिद्धार्थ, यार ये आपको बात समझ में आ गई? आदित्य ये बात समझ में आ गया? 100% सर क्लियर चलो, ये बड़ा सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? ठीक, अनादि आ गया, तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे जा रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। चलो अब आ जाते हैं हम ये
देख लेते हैं कि सन जो है वो कौन से हाउस में बैठा हुआ है। तो अब आप मेरे को जवाब नहीं देंगे आदित्य जी, क्या नाम है प्रवीण जी। अब ये मैं मैडम से पूछता हूँ, अनुराधा जी आप बताइए कि जो सन है वो कौन से हाउस में बैठा। आपका ना म्यूट है, वो ऐसे बता दो ऐसे करके। 11th सर, ठीक है ना। और कौन से साइन का लॉर्ड है? 5th। 5th कहां पर है? 2nd, ठीक है ना। सो वी विल राइट टू सन विल गिव द रिजल्ट ऑफ 2nd एंड 11th हाउस। ठीक है ना, सिंपल है। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात। मून जो हो गया वो कौन से हाउस में बैठा है? मून 12th। कौन से हाउस का लॉर्ड है? 4th। वेरी गुड, लेकिन हाउस बताना है आपको, ये तो साइन बताया आपने। अच्छा, तो फर्स्ट में, फर्स्ट का। वेरी गुड, ठीक है, तो ये फर्स्ट का, ठीक है। अभी इस तरह से मार्स जो हो गया अनादि को तो आते ही होगा। सिद्धार्थ देखिए यार, मार्स कौन से हाउस में बैठा है? उंगली उठा दे। आवाज नहीं आ रही सिद्धार्थ, तेरी ना म्यूट है यार। सर दो मिनट, मैं दूसरे रूम में जाता हूँ, मैं आता हूँ अभी, एक मिनट, यहाँ शोर है थोड़ा। चलो कोई ना। आदित्य जी मार्स कौन से वो हाउस में बैठा है? फर्स्ट। फर्स्ट हो गया। और कौन से हाउस का लॉर्ड हो गया मार्स? 1/8 हाउस बताओ। 1/8, अच्छा 1/8 इज लाइक नौवा और चौथा, 4/9। हाँ 5/10, सॉरी, या 5/10। अच्छा वो क्या उल्टा लग रहा है, लग रहा है क्या आपको मिरर में? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, स्लाइट जजमेंट रॉन्ग है, बराबर है। इट्स 5/1/8, इट्स इन 5/9, 5/10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8 और बैठा किधर 10। मर्करी आ गया आपका 12, 3, 12 और 10, 3, 10, 12। ठीक है, सो दैट इज ऑल, इट इज सिंपल। इसमें कोई खास चीज नहीं है जो मतलब हमें करनी है, मतलब ये कोई भी प्लांट है इससे इस हाउस के रिजल्ट देता है, इट इज एज सिंपल एज दैट। और अच्छा नहीं समझ में, नहीं समझ में, लॉर्डशिप ऑफ हाउस नहीं समझ में आया, लॉर्डशिप ऑफ हाउस समझ में आ गया कि वो कौन से उसमें है, लॉर्डशिप ऑफ हाउस समझ में नहीं आया, प्लेसमेंट आ गया। ठीक, वेरी गुड। तो अब इसको मैं दोबारा समझाया तो कोई भी एक का, हाँ बताया तुम यार, कोई गल नहीं कहते की हो गया, सवाल ही तो पूछा यार। ठीक है, तो अब इसमें हमें देखना है कि सन, आप मेरे को बताओ सर कौन से साइन का लॉर्ड है? सन 5th साइन का लॉर्ड है, तो आपने देखना है 5th साइन कहाँ है, ये 5th साइन कहाँ नंबर आया हुआ है, वहाँ कहाँ नंबर है, तो आपको यहाँ से गिनना है कौन से हाउस में हुआ है, ये सेकंड, मतलब सन विल इज प्लेस्ड इन दिस सेकंड, सन इज द लॉर्ड ऑफ द सेकंड हाउस जहाँ उसका साइन फॉल करेगा। फिर हमने देखना है कि जो मून है वो आप मेरे को बताओ मून कहाँ पर है, 4th हाउस में, 12th हाउस में, अभी है कौन कौन सा हाउस है? मार्स अभी आपका फर्स्ट में है, तो प्लेसमेंट इन हाउस आ गया फर्स्ट सर आपका, और लॉर्डशिप हो गया मार्स का फर्स्ट एंड 8, फर्स्ट आ रहे हैं 10 में, और 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है।
जुपिटर जुपिटर इज अगेन सेम फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ प्लेसमेंट है और नाइन्थ और ट्वेल्थ का है. नाइन्थ है आपका छठा और ट्वेल्थ है नाइन. ठीक है आगे सब शनि ऐसे हो जाएगा सेवन एट मर्करी हो जाएगा ट्वेल्व एंड थ्री. ठीक है तो ये हमारे हो जाएंगे प्लैनेट्स कौन कौन से प्लेसमेंट है कौन सी लॉर्डशिप है. प्लैनेट्स रिजल्ट इसी के देंगे. प्लैनेट्स का अपना स्वभाव भी होगा. जैसे एग्जांपल है जुपिटर है 169 किसी और हॉरोस्कोप में मर्करी कैन ऑल्सो बी कल ऑल्सो हैव 169 सो द रिजल्ट्स विल बी द सेम. नेचर ऑफ प्लैनेट इज डिफरेंट उसका फर्क पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा वो हम बाद में बात कर लेंगे. बाकी मेजरली रिजल्ट एक ही आएंगे फर्स्ट सिक्स और नाइन. क्या रिजल्ट आएंगे जो फर्स्ट के मैंने हाउस के आपको कॉम्बिनेशन लिखवाए थे सिक्स के लिखवाए थे नाइन के लिखवाए थे वो हमें रीड करने पड़ेंगे स्टडी करने पड़ेंगे फिर इसका एक कलेक्टिव रिजल्ट आ जाएगा. कलेक्टिव रिजल्ट का मतलब है वन हो गया सेल्फ. एग्जाम्पल सिर्फ सिक्स जो है जॉब नाइन हो गया ट्रेवल एक अंदाजा हो गया. ये तीनों से मिलकर रिजल्ट आएगा तो यू मे हैव टू ट्रेवल टू अ डिस्टेंट प्लेस बिकॉज ऑफ जॉब. हम ऐसे हिसाब एग्जाम्पल या इस तरह से रिजल्ट्स को बनाते हैं कि भी मिलके हाउस रिजल्ट देंगे. एक का तो आया नहीं रहा तीन है तो तीन मिलके कैसे देते हैं. तो अच्छा आपने कहा कि फर्स्ट इज जॉब फर्स्ट इज सेल्फ सिक्स इज लिटिगेशन आल्सो सिक्स इज एनिमी आल्सो सिक्स के बड़े सारे मतलब है. नाइन के ट्रेवल एजुकेशन ऐसे. तो हम इसको फर्दर जो है इस चीज को डेप्थ में चले जाते हैं कि अल्टीमेटली फिर होगा क्या. लिटिगेशन होगा एनिमी होगी जॉब क्या होगा कई चीजों पर डिपेंड होगा. आपकी एज पे भी डिपेंड होगा. ठीक है ना ये एजुकेशन है मोटे तौर पे जब आदमी की 25-30 साल उम्र हो गई शादी ब्याह हो गया मोटे मोटे तौर पे एजुकेशन की एज चली गई. प्रॉपर्टी व्हीकल की परचेज की एज 20-22 से पहले क्या होगी. शादी 18 साल से पहले क्या होगी. मोटी मोटी बात ऐसे ना जो टाइम प्लेस कंडीशन. ठीक है ना ऐसा नहीं है एजुकेशन तो आदमी जब तक है जाता नहीं रोज ही कुछ ना कुछ आप न्यूज सुनते हैं पढ़ते हैं डेली अपग्रेड हो रही है ना. लेकिन कोई हम फॉर्मल एजुकेशन लेंगे नहीं लेंगे वो हमें देख सकते हैं है ना. तो वो टाइम प्लेस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है तो 169 का क्या रिजल्ट निकलेगा. इस तरह से बड़े सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं. लेकिन मेनली तो इवेंट जो है वो मामूली मतलब लिमिटेड ही होते हैं. मैरिज हेल्थ चाइल्ड बर्थ नो चाइल्ड बर्थ प्रॉपर्टी परचेज व्हीकल परचेज. तो जो मेनली जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं मेनली जो भी इवेंट्स हैं हमने सभी के फॉर्मूले बनाए हुए हैं और वही फॉर्मूले जो है काम करते हैं. और वो ज्यादा नहीं है 25-30 ही है. ये 25-30 फार्मूले से पूरी जिंदगी हमारी इसी में ही निकल जाती है. क्योंकि एक आदमी के उम्र मतलब जीवन में क्या क्या होगा. वो पहले पैदा होगा बच्चा है ना. फिर उसके बाद सबसे पहली जो चीज होगी इज मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ दैट इज चेक बाय द डॉक्टर एंड देन द चाइल्ड इज गिवन टू द मदर एंड द अदर रिलेटिव्स दे कम एंड सी द चाइल्ड. और काफी टाइम तक उसको सिर्फ हेल्थ ही उसकी चलती रहती है मेंटल हेल्थ फिजिकल हेल्थ. और फिर मेंटल हेल्थ की बात है उसको पहले दिन से एजुकेशन भी शुरू हुआ. जैसे ही शादी जैसे बच्चा पैदा होता है सबसे पहले कौन आएगा सब देखने. माँ तो खैर उधर ही होगी दादी होगी बुआ होगी मासी होगी है ना. तो फर्स्ट डे से ही एजुकेशन शुरू हो जाती है. शुरू से पहले दिन से वो बेचारे अच्छे बच्चे को तंग करना शुरू कर दिया. अरे मेरा पुल्ली 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 मेरे बच्चे 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 हैं मैं तेरी बुआ हूँ. तो वो बुआ हूँ मतलब एजुकेशन स्टार्ट्स है ना. रिलेशन के बारे में वो जानने लग जाए
ये सबसे बड़ी वाली बुआ हूँ मैं, है ना, ये सबसे छोटी बुआ हूँ मैं, तुम्हारी पत्ता बुआ हूँ मैं, दो बारी गुम हो गई हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि जीवन में क्या क्या इवेंट होते हैं। आलम पानी दे, इसको ठंडा वाला पानी दे, थोड़ा सिद्ध डाल दो। हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जीवन में क्या क्या इवेंट होते हैं। बच्चा पैदा होता है, ठीक है, पैदा होते ही उसकी पहले फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ चेक होती है, फिर उसकी एजुकेशन पहले दिन से शुरू हो जाती है। सब रिलेटिव आते हैं, वो उसको अपना रिलेशन बताते हैं बच्चे को, समझ में आया नहीं रहा होता, बट चाइल्ड ट्राइज की दीज आर हु आर दीज पीपल ट्राइज टू अंडरस्टैंड। अब क्या अंडरस्टैंड करता होगा ये तो हमें भी नहीं पता, बट आफ्टर से नॉट आफ्टर से वन और टू डेज, शायद हो सकता है 10-12 दिन में उसको माँ पता चल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। शायद पहले बॉडी स्मेल ऑर्डर ऑर्डर का भी नहीं पता है, उसका फील मदर का ना, एक मदर का एक फील है ना, मुझे नहीं पता, मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। मुझे लगता है शायद 5-7-10 दिन में उसको पता चल जाता है यही मेरी माँ है ना, तो इसका मतलब उसकी एजुकेशन तो शुरू होगी सर, ये माँ है ये बाप है, फिर धीरे धीरे भाई है बहन है दिस एंड दैट, राइट। फिर वो वही बच्ची मम्मी समझाने लगती है ये चन्ना मामा है ये फैन है एंड ऑल, ये एजुकेशन होगी। फिर उसको फॉर्मल एजुकेशन में डाल, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन के साथ हेल्थ उसकी चलती रहती है, पेट तो खराब रहते ही बच्चे का, खांसी जुकाम तो बच्चों को रहेगा ही रहेगा, गोडे चलते रहेंगे आपको पता, नीचे गिरते पड़ते रहेंगे, तो हेल्थ जो है वो चलती रहेगी, हम देखते रहेंगे वे हेल्थ इज गुड और नॉट, राइट। फिर एजुकेशन है, फिर एजुकेशन में कितने नंबर आएंगे, बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल क्या है, किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, कुछ बच्चे तो सभी सब्जेक्ट में सत्यानाश हो, जो सभी सब्जेक्ट में सत्यानाश हो वो जो बच्चे हैं वो पार्लियामेंट में बैठते हैं सारे पैसे बोलते हैं, तो इसका बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा तो इसका मतलब बच्चा पॉलिटिशियन बने। जो अच्छा बच्चा होता है सबसे टॉप जो फर्स्ट आता है वो डॉक्टर बनता है, उससे नीचे वाले बच्चे जो है वो सीए बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं, उससे नीचे वाले बच्चे जो आईएएस बनते हैं, उससे नीचे वकील बनते हैं, उससे नीचे जो अकाउंटेंट बनते हैं, उससे नीचे क्लर्क, उसके नीचे चपरासी, जो बसे तोड़ते हैं वो पॉलिटिशियन बनते हैं, वो देश को चलाते हैं। और जो डॉक्टर है वो बेचारा जो शर्मा जी और गुप्ता जी दो होते हैं, शर्मा जी और गुप्ता जी ऑफिस में संभालते हैं, तो आपको हर ऑफिस में शर्मा जी गुप्ता जी जरूर, किससे मिलना बोलो गुप्ता ही जरूर होगा ऑफिस में, नहीं तो शर्मा जी होंगे। ये शर्मा जी और गुप्ता जी ये सब जो है टीएडीए बनाते रहते हैं सबका बैठ के, तो बेचारा वो जो डॉक्टर होता है बेचारा खज्जल खुआरी करता है, बेचारा खज्जल ही हो जाता है, खज्जल समझते हो आप, डोंकी होता है बेचारा खज्जल, एक्चुअली पंजाबी का शब्द है, उसका कोई और जो भाषा है उसमें उसका एग्जैक्ट वर्ड नहीं है, खज्जल का मतलब वो इतना ज्यादा उसको परेशान कर देते, इरिटेट भी करते हैं, परेशान भी करते हैं, दुखी भी करते हैं, सबका मिला जुला गया रस जो होता है उसको खज्जल कहते हैं। वो बेचारा राहुल गांधी कांग्रेस खज्जल हो गया नहीं सोनिया गांधी खज्जल, उनको तो पता ही नहीं मैं खज्जल हो गया हूँ, इट डजंट नो, ठीक है ना, वो तो थाईलैंड चला गया वो, ठीक। अब वो जो डॉक्टर है इंजीनियर है जो हमारी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो तो बेचारी दुखी हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन से। चलिए खैर एजुकेशन था मजाक आ गया, फिर उसके बाद जब आपकी पढ़ाई होती है तब आदमी नॉर्मली नौकरी ढूंढता है, फिर हमारा नया एक चैप्टर जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी का शुरू हो जाता है, दैट इज करियर। उसके साथ रिलेशन और चलने लग जाते हैं बहन से भाई से इनसे रिलेशन, फिर जब जॉब वगैरह लग जाएगी फिर प्रमोशन foreign job or foreign education also is possible. Then
मैरिज देन चाइल्ड बर्थ प्रॉपर्टी व्हीकल परचेज लिटिगेशन भगवान ना करे किसी के साथ हो ठीक है यही इवेंट ऑफ लाइफ है इन सबके फॉर्मूले हैं जैसे ये मिल के हाउस मैंने बताया ये मिल गया हाउस 12 और 1 10 5 ये हमें पता है पहले इसका मतलब क्या है ये आप ये 30-35 ही होते हैं मैंने आपको बताया जितने ये 25-30 से ज्यादा नहीं होते एक आदमी की कितनी शादी हो जाएगी जिंदगी में ये बहुत हो गया है ढाई मुस्लिम नहीं मुस्लिम नहीं पांच कोई किसी मुस्लिम की पांच नहीं होती गलत बात है कोई नहीं होती गलत बात है देखो आप देखो 100 अगर मुस्लिम मेल तो तकरीबन 100 ही फीमेल होंगी अगर 25 मेल ने 100 फीमेल से शादी कर दी तो बाकी 75 मेल तो अनमेरिड है दिखे कभी आपको नहीं दिखे ना ऐसा नहीं दिखता ना जनरल सी बात है कोई भी आदमी है एक फीमेल से शादी करने बस समझ जाता है बाकी मैं कुछ नहीं कहा रेखा की शादी हुई है सर रेखा मुस्लिम है क्या हिंदू है उसमें मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ मेजरली एक आदमी की एक ही शादी मेजरली ज्यादा दो हो जाती है मैक्सिमम तो एक कितने डाइवोर्स हो जाएंगे एक मेजरली आम आदमी आम आदमी पार्टी की बात ही कर रहा है आम आदमी की बात फिर क्या है कि और क्या करना है फिर मैरिड लाइफ वो तो डेली की है फिर चाइल्ड बर्थ कितने हो जाएंगे दो चार, आम आदमी के आजकल एक दो चलो चार कर लो फिर एजुकेशन वो तो कुछ एक टाइम तक चलती है लेकिन उसमें मेजरली जो चीजें है कि भाई समथिंग रियली बिग व्हिच विल हैपन सो दैट विल हैपन इन 12th क्लास और इट विल हैपन इन आफ्टर ग्रेजुएशन 12वीं तक तो उसने पास ही होते जाना है तो कोई बच्चा नालायक है फेल हो गया चलो भाई काम पे लग गया कितनी प्रमोशन हो जाएंगी एक आदमी से तीन चार बिजनेसमैन हुआ तो हमें देखना है कि कौन कौन से पीरियड जो है जिंदगी के अंदर बहुत हाईली है राइज करेंगे कितने लोगों के मेजर एक्सीडेंट होते हैं सभी के नहीं होते फ्यू पीपल है ना आर हर्ट मेजरली हेल्थ खराब नॉर्मली 45 के बाद ही होगी आपकी मेजरली तो डायबिटीज हार्ट प्रॉब्लम बीपी ये तो फिक्स है सभी की होनी है शहर का आदमी जिसके पास पैसा है जिसके पास पैसा है बाकी देख लेंगे तो मेजरली अगर आप गिनोगे तो 30-35 आपको इवेंट्स होंगे बाकी डेली है नहाना ही है डेली खाना ही है डेली पीना ही है कमीज खरीदी है पैंट खरीदी है इसकी डेरे में जो ज्योतिषनी यूज करनी है हमें देखना है प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए है ना तो कितनी प्रॉपर्टी खरीद लेगा आम आदमी एक दो तीन चार वो चार भी तब की एक बेची खरीदी ना फिर उसके बाद व्हीकल कितनी खरीद लेगा आजकल क्या हर 3 साल के बाद नॉर्मली लोग बदल रहे हैं तीन चार साल बदल रहे हैं ठीक है कुछ बदल रहे हैं कुछ नहीं भी बदल रहे देख लेंगे कितनी होगी तो मेनली 30-35 इवेंट से आनी है उनके फार्मूले हैं वो फार्मूले तो आप दे दूंगा उसको लॉजिकल आपको समझा दूंगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे क्यों बाकी नॉर्मल चलती रहेगी अभी जो पढ़ा है वो ये है कि वीनस कहाँ बैठा क्यों अब क्यों बैठा है कहीं तो हो गई आई नो बट विच हाउस इट इज प्लेस 12th हाउस और 12th साइन 12th हाउस विच इज दिस हाउस 4th विच इज दिस हाउस 4th मून This is first house. Hello. House ये fix ही है. House is always. House is fixed. Signs will change. Now you tell me, in which house Venus is? One. So you have to count, right? Go on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right. So it is in the 9th house. Lord of which sign? Venus,
lot of with sign Taurus and Libra. Numbers. Numbers 2 and 7. Right. So you have to see where 2 and 7 is. 2 idhar, 7 idhar. Mm. Which are these houses? 1, 2, 3, 4, and 9, 10, 11. Four right. And 11. So I've written 4, 11. Yeah. Right. Yeah. So, I've written for all the planets. Okay. I give you 2 minutes to just have a look on it. आप देखो अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है या समझ नहीं आया प्लीज लेट मी नो ठीक है सो दिस विल बी यूज्ड फॉर प्रेडिक्शन कि प्लैनेट कौन कौन से हाउस का रिजल्ट देगा और फिर कॉम्बिनेशन बन जाएगा कॉम्बिनेशन मतलब हो गया कि नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट बी राइटिंग लाइक दिस प्लेसमेंट लॉटरी मैं सीधा लिख दूंगा 4, 9, 11 इसको लिख दूंगा 2, 11 इसको लिख दूंगा 1, 12 ऐसे लिख दूंगा चाहे आपकी प्लेसमेंट है चाहे आपकी लॉर्डशिप है डजंट मैटर रिजल्ट एक सा एक जैसा ही आएगा ठीक है और हम बताएंगे कि ये प्लेनेट जब उसकी ये दशा चल रही होगी तो इट इज गोइंग टू गिव यू दिस रिजल्ट सो व्हाई डिड यू राइट इन द फर्स्ट हाउस जुपिटर नहीं दिस इज हाइपोथेटिकल दिस हाइपोथेटिकल ठीक है दिस इज जस्ट हाइपोथेटिकल ठीक है अब इससे आगे चलते हैं ठीक है लेट्स मूव फॉरवर्ड आगे क्या है काल सर्प आपने सुना होगा लेट मी एक्सप्लेन यू दैट काल सर्प आप सब लोगों ने हॉरोस्कोप बनाने की सीखी तो किसी की भी हॉरोस्कोप है ये मेरे हाथ में नहीं है कि कौन सा प्लेनेट कहां पर प्लेस होगा ये मैं नहीं जानता ठीक है लेकिन अब ये बन गया तो अब हम इसका ये समझ सकते हैं कि जो प्लेनेट है यहाँ पर जो है उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं ये कब का जन्म होगा एंड ऑल ठीक है ये कितने बजे का जन्म होगा आफ्टरनून आफ्टरनून करेक्ट व्हाट टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना ट्राई करता है नहीं करके आए बट अराउंड 2 PM ठीक है तो सर कितने बजे का सर तकरीबन तकरीबन 10 बजे हो गया अब ये जो मून है ये यहाँ पर है ठीक है थोड़ा आपके लिए टफ होगा कि ये अब बताओ ये शुक्ल पक्ष का है या कृष्ण पक्ष का है शुक्ल इज वैक्सिंग मून सो मून मूव्स लाइक दिस सो मून एज से 1 or 2 days बैक मून वॉज हियर सो इट हैज कम फ्रॉम हियर टू हियर इज गोइंग टू गो हियर राइट सो दिस इज वैक्सिंग मून शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष शुक्ल पक्ष और वेनिंग मून कृष्ण पक्ष कौन सा मून वेनिंग कृष्ण पक्ष भी निकाल सकते हैं कि ये थर्ड तिथि होगी या फोर्थ होगी सेकंड भी हो सकती है डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सर ये हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यहाँ से उसका कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट कुछ नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है हमारा प्रिडिक्शन का कोई लेना बट अभी मैं आपको कुछ टर्म्स अभी आपको पढ़ाऊंगा आज उससे हमारा बड़ा मतलब है उससे हमारा मतलब ये है क्योंकि पीपल हु विल बी कमिंग टू आस्क अस द क्वेश्चन आवर क्लाइंट्स यू कैन से सो दे हैव नॉट कम फॉर द फर्स्ट टाइम टू एन एस्ट्रोलॉजर दे हैव बीन टू एन नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स बिफोर ऑल्सो एंड आफ्टर दे आर गोइंग टू विजिट अस They are going to visit other astrologers also. So they have been told certain things by the astrologers which we should
डेफिनेटली नो, हमें जरूर पता होनी चाहिए क्योंकि उसको ज्ञानी बन चुका है और थोथा चना बाजे घना होता है हमेशा। दूसरा, नया नया मुसलमान अल्लाह अल्लाह पुकारे होता है। तीसरा, वो डरा भी हुआ होता है तो वो पूछना चाहता है कि उसने ये बताया तो आप बताइए आप क्या कहते हैं, या क्लैरिफिकेशन चाहता है। जैसे ठीक आपने कहा कि वो क्लैरिफिकेशन भी चाह सकता है कि बताइए ये मेरे को बताया गया तो ये क्या ठीक है या नहीं। तो उनमें से चीजें जो है वो है कालसर्प, मांगलिक, साढ़े शक्ति, गंडमूल नक्षत्र, भैया, ये चार पांच चीजें हैं जो उसको डराती हैं। हम हर आदमी को डराते हैं। तो बाकी जो है राकेश, राकेश राहु केतु शनि। तो अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं उसको बोलता हूं भाई शनि तेरा दसवें भाव में बैठा, मैं सिंपल बोलता हूं। अब उसको डर लग जाएगा मेरा शनि दसवें भाव में बैठा, भैया कहीं तो बैठेगा। ये हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में राकेश से सारे डरते, जो हिंदुस्तान से छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं वो भी डरते। राकेश ऐसे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे ना पर्थ में पीछा छोड़ते ना मेलबर्न, ठीक है ना। लेकिन होगा क्या, इट इज मोर एज फियर ऑफ अननोन, अनकनोन, ठीक है ना। वो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं, वो हम समझने की कोशिश करते हैं, अभी बेसिक समझने की कोशिश करते हैं। जब प्रेडिक्शन है तो बिल्कुल क्लैरिटी समझ में आएगी, अभी भी काफी कुछ 99% तो समझ में आ ही जाएगी कि ये शनि यहां पर बैठा है। जो जोशी है उसका ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या होता है कि आदमी आया तो वो किसी तरह से पूजा करवा ले। हिंदुस्तान में नॉर्मली लोगों की आदत नहीं है सर्विस चार्जेस देने की। तो पंडित जो पैसा लेता है वो तो लुटेरा, और जो पैसा नहीं लेता पूजा बताता है वो है ठीक। ये आम लोगों में प्रॉब्लम है, तो ये तो पंडित की प्रॉब्लम है, बेचारा पैसा कैसे कमाए। तो उसके पास एक ही रास्ता रह जाता है, सत्यनारायण की पूजा करा। अब पूजा की भी बेइज्जती, उसका भी रिस्पेक्ट कम होगी, क्योंकि झूठ कभी ना कभी तो पकड़े चला जाता है। और अगर आपके मन में कुछ ना कुछ पाप है तो उस तरीके से आप काम कभी नहीं कर पाते जिस तरह से आप फ्री होके काम करोगे, ठीक है ना। जब प्लेन के अंदर वजन कम होता है तो वो बड़ी फुर्ती से उड़ता है, वजन अगर आपके दिमाग में होगा तो फिर आप उस फुर्ती से काम नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले मैं एक कालसर्प योग और राहु केतु शनि की गेम समझा देता हूँ आपको, फिर आगे चलेंगे। शनि दसवें बैठ भाव में बैठता तो खराब होता है, क्योंकि दसवां भाव किसका, पिता का है और खानदान का स्टेटस का है। और शनि आगे बैठ गया तो खराब है, और ग्यारहवें में तो खराब होता ही है क्योंकि वो ग्यारह लाभ पे आ गया। बारहवां तो और सी खराब है, पहले घर में तो ठीक हो नहीं सकता क्योंकि तो शरीर का, दूसरे में होना नहीं है, तीसरे में होगा नहीं, चौथे में है ही नहीं, पांचवे में संतान के ऊपर भारी है, छठे में जो लिटिगेशन वगैरह का वो तो बुरा ही, सातवें पे वो हस्बैंड के ऊपर भारी है या बीवी पे भारी है, आठवां तो भावी बुरा है, नौवां वो भाग्य पे ही बैठ गया, बताओ आप बताओ तो फिर क्या होगा आपका। तो शनि बारह के बारह भाव में खराब, राहु पहले घर में खराब ही है, दूसरे में होता ही है, तीसरे में होगा ही, चौथे में होना ही था, बारहवें में है ही, छठा हर ही खराब है, सातवां होना खराब है। तो आप कहीं तो बैठे नहीं, हाँ तो कहीं तो बैठे हो बेचारा, कहीं तो बिठा लो मेरे भाई, बेचारे को आपको आया तो कहीं तो बिठाओगे। कहीं भी बैठे हो कहीं भी कर दो। अब अगर जो क्लाइंट आता है वो बोलता नहीं जी यहाँ भारी नहीं होता, बोलता फिर जो भारी नहीं आते बताते वो प्रॉब्लम क्यों है। अब इस पे आगे जवाब नहीं बचता, और बोलता तेरे को ज्यादा पता तो मेरे पास आया क्यों, बस चित में जीता पट तुम्हारे, चित में जीता पट तुम्हारे का क्या मतलब है लड़की, ठीक है ना, ठीक है।
तो राहु केतु शनि का यही डर है, तो कहीं तो बैठेंगे, कहीं ना कहीं जो लॉर्डशिप होगी तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये डराने का धंधा ज्यादा है, इससे अधिक कुछ नहीं है। रिजल्ट कैसे दे रहे हैं वो तो मैं बताऊंगा ही। किसी भी घर में बैठ के कोई भी प्लांट अच्छा भी रिजल्ट दे सकता बुरा, और अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे हम ये बोलेंगे कि क्या रिजल्ट देगा। मैरिज इज गुड और बैड हम चक्कर में पड़ेंगे, हम बताएंगे मैरिज होगी तब बस, और मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। अब मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, जिनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है या मैरिज नहीं हुई उनकी जिंदगी खराब हुई ऐसा नहीं है, जिनकी मैरिज होगी उनकी भी जिंदगी खराब होगी ऐसा भी नहीं। आजकल ट्रेंड चल गया जिनकी मैरिज नहीं हो रही है वही टॉप पे, अब योगी आदित्यनाथ भी चीफ मिनिस्टर बन गया, बताओ हम शादीशुदा लोगों की तो कोई पूछता नहीं। वो खट्टर भी बन गया, वो मोदी भी बन गया, वो मोटी पहले थी बहन जी थी BMW है ही, राइज कर रहे था पप्पू बेचारा रह गया, है वो भी अलमारी पप्पू है। तो मैरिज और अनमैरिड उससे मतलब नहीं है, वी हैव टू सी मैरिड और अनमैरिड, दैट्स ऑल। Now, if person is unmarried, that doesn't mean he cannot have a love affair. और मैरिज है उसका भी लव अफेयर, लव अफेयर अच्छा या बुरा हमें कोई मतलब नहीं है, तेरा लव अफेयर होगा बस काम तक तो हमारा तो काम है बताइए। डिवोर्स अच्छा या बुरा कोई नहीं जानता, अगर बीवी से नहीं बन रही रोज के झगड़े से तो डिवोर्स ही अच्छा है, ठीक है। और हो सकता है डिवोर्स अच्छा हो जाए, हो सकता है डिवोर्स बुरा भी हो जाए, हम तो कहेंगे डिवोर्स होगा अच्छा बुरा तुमने। चोरी अच्छी है बुरी है, चोरी बहुत अच्छी है, डकैती बहुत अच्छी है, अगर चोरी डकैती नहीं होगी सारे पुलिस वाले बेचारे भूखे मरेंगे, वकील सारे जो है वो काम क्या करेंगे, जज बेरोजगार हो जाएंगे। तो हम तो ये बोलेंगे भाई चोरी हो जाएगी डकैती हो जाएगी लॉस, लॉस होगा नहीं तो गेन किसी को होगा, शेयर मार्केट गिरती है तो किसी को तो प्रॉफिट होता है। They say money is eroded from the market. It is not the money is eroded from the universe. ये नहीं है. Money is eroded from the market and has gone to some other hands. And when it is in the market, again it is in some hands. Market में थोड़ा है. Somebody's gain is somebody's loss. Simple. तो हम उसी में रहेंगे, हमारे जो अर्थ होंगे बात के वो नुकसान या फायदे के लिए हम बोलेंगे ये होगा, शनि दसवें में आपका ये होगा, शनि ग्यारहवें में ये होगा, शनि बारहवें में ये होगा, there's nothing bad good. सर, सर आपने कहा कि इवेंट क्या होगा हम ये बता सकते हैं, उससे क्या रिएक्शन होगा इंसान का वो नहीं बोल सकते? नहीं नहीं बोल, एग्जांपल बोल तो सकते हैं, एग्जांपल डिवोर्स हो गया, अब डिवोर्स के बाद कुछ आदमी है जो चाहते हैं डिवोर्स हो तो खुश हो जाएंगे उससे, तो आदमी खुश रहेगा दुखी रहेगा परेशान रहेगा ये हम नहीं बोल सकते? इंसान तो कभी खुश रह ही नहीं सकता है। जब शादी नहीं हो रही थी तो वो आ रहे थे दुखी होते हैं शादी नहीं हो रही, जब हो रहे थे शादी हो जाएगी बोलते हैं तो शादी हो गई, तो खुशी है वो जो लड़का पर फेज होते हैं लाइफ के, लाइफ के तो पहले उसको एक थैंक्स हो गया, बड़ी अकल की बात कर दिया है तो कमाल कर दिया। तो हां बोले तेरा सवाल नहीं बात फिर मजाक, मैं कह रहा हूं कि इंसान की लाइफ में फेज होते हैं कि इस फेज में भाई आदमी खुश है इसमें खुश नहीं है, और मालूम नहीं पड़ता कि इस समय क्यों खुश था वो और अब क्यों दुखी हो गया। सब कुछ सेम है राजे, मैं क्या हुआ है मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, आई एम ए मशहूर सा आदमी, ठीक है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम विद मी, और मेरे को खुशी भी बहुत होती है, तो ये आपने देखना है कहां खुशी आपने ढूंढी है कहां ढूंढी। मैं जिस भी ट्रेन के डब्बे में बैठता हूं वहां एक ना एक बंदा मेरे को जानता जरूर है, ज्यादातर ये हो जाता है नॉट ऑलवेज, जो मेरे साथ बैठा होता है वही मुझे जानता होता है, और मैं ट्रेन में जाना है तो मेरे को लैपटॉप खोल के काम जरूर करना है, मेरा काम पेंडिंग रहता है हमेशा ही, तो मैं काम करता हूँ मेरे से फिर काम नहीं हो कर, वो बातें करता है मेरे से। अब खुशी की बात है कि देखो आई एम मशहूर आदमी, दुखी की बात है काम नहीं कर सकते, अब काम नहीं कर सकते, अब मैं वो लिखना चाहता हूँ तो वो देखता है क्या लिखता है और फिर वो लिखा नहीं जाता है। आप समझते ना कि आपको कोई घूर है तो फिर आपसे काम नहीं होता,
ठीक है ना, ना घूरे तो भी तकलीफ, घूरे तो भी घूरते हैं तो भी, घूरती कोई नहीं अपने को, ये भी तकलीफ है। कई सारी तकलीफ है, तकलीफ वही है कि आदमी जहां तकलीफ ढूंढ ले तकलीफ है, जहां खुशी ढूंढ लो आपको खुशी मिल जाती है। जो भी आदमी मशहूर हो गया जैसे सनी लियोनी है, वो सड़क पे बाहर खड़े होके बिट्टू टिक्की वाले पे जाके टिक्की नहीं खासती, गोलो नहीं खासती। नहीं सर वो ठीक है, पर शायद उसका उसको मनी ना हो, शायद उसी में खुश है। पर हम नहीं कर सकते, we can't predict if a person will be happy after a certain event or will he be upset, we can't tell. एक time के बाद जो चीज normal सी हो जाती है आपके पास, वो उसमें फिर मन नहीं लगता आदमी को, उसमें बोरियत हो जाती है, फिर आदमी दूसरी चीज, once you get what you wanted you lose interest, उसमें interest lose हो जाता है। जैसे ऐश्वर्या राय से शादी हुई, किसी वो क्या नाम है उसका, लंबा सा अभिषेक बच्चन, ठीक है ना। अब क्या होगा कि उसको जब तक शादी नहीं हुई तो उस चाहिए चाहिए, जब शादी होगी तो बीवी है ना, so sad, sir. तो बीवी है, अब बाकियों को चाहिए। समझ रहे, तेरे को कार चाहिए बड़ी सी, कौन सी है, लिमोजिन टाइप वाली, हाँ वो जो भी है, भाई साहब बता रहे हैं, मेरे तो नाम भी नहीं पता है ना। अब वो मिल गई आपको, आपको पास आ गई, फिर उसके बाद क्या, उसमें इंटरेस्ट आपका लूज हो जाए। तो ये तो फेजेस ऑफ लाइफ जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। वो तो खुशी और जो गम है वो आने जाने भी हैं, और हम बदलते भी रहते हैं, अपना हमें देखना है कि लेवल कहाँ कर रहे हैं। तो जिनके डिस्कस करेंगे, जिन लोगों को संतोष की प्राप्ति रहती है, तो वो खुशी और गम के इस चक्र से निपट जाते हैं। ये मोक्ष होता है, इसको मोक्ष कहते हैं। हमको ना किसी चीज की खुशी हो ना किसी चीज का गम। प्रॉपर्टी मेरे पास कार है, बड़ी प्रॉपर्टी है, इट्स नन ऑफ माय यूज आफ्टर माय डेथ, अभी करेक्ट ना। और एज जो है वो एक लेवल तक है, अगर बहुत पैसा आया भी शाहजहां के पास आ भी गया तो वो उसके लिए परेशानी का कारण हो गया, ठीक है ना। शाहजहां जब बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने उसके दोनों बेटे मार दिए, और जो अपनी बहन है जहानारा उसका कत्ल कर दिया, ऑल बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज जो जहानारा थी वो दारा शिको के क्लोज थी, जो रोशनारा थी वो इसके क्लोज थी। लेकिन ना तो जहानारा की शादी हुई ना रोशनारा की शादी हुई, जहानारा का मोहब्बत हो गई थी इससे, तो वो उसको चक्कर थी, उसको प्रॉब्लम थी, मोहब्बत कैसे हुई, हाउ इज पॉसिबल, उसने कत्ल कर दिया, Another reason. तो ये जो सब चीजें होंगी यार, ठीक है ना, उसको भी पता कर लेंगे, कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम मेनली इवेंट पे रहेंगे, होगा क्या है। अब आ जाते हैं कि काल सर, ठीक है ना, तो ये कोई प्लैनेट कौन से घर में बैठा उसे कोई लेना देना नहीं, ठीक। दूसरा काल सर, काल सर का मतलब हो गया प्लैनेट्स ऑन वन साइड ऑफ राहु केतु, ठीक है ना, planets on one side of Rahu and Ketu. So which side? Whichever. Achha. They can be this side of. Whichever. It's called Kalchakra. Now it is easy for anybody who is new to astrology or he doesn't have any idea about astrology to understand that his planets are on one side of Rahu. और अगर मेरे हैं तो मैंने क्या बोलना उसको, तेरा तो काल चक्र, अब वो बेचारा मेरा तो काल चक्र, अब पूजा करो बस, इसी में बोलना कुछ नहीं है बस, वो तो क्या, ठीक है। और ये काल चक्र तो रहेगा ही रहेगा सर, एक बार चढ़ गया तो वो चढ़ गया भाई साहब। अब अगर ये तेंदुलकर की कुंडली में है तो ये कालसर्प योग है, अगर मेरी काली कुंडली में है तो ये कालसर्प दोष है। कालसर्प दोष से क्या होगा, आपके बनते बनते काम रुकते, आपके गुप्त शत्रु बोल रहे हैं, ठीक है, आपके
तो आप तो सबके लिए बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आपको समझे ना, आपने जिंदगी में किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन आपके साथ लोग बुरे सोचने वाले बहुत। पैसा आता है, आते आते इन काम ना बन जाते हैं बाद में, लेकिन रुपया ना जुड़ता नहीं। सभी को कह दो ये जो मैंने बात किया 99% ठीक ठीक है, ढंग से लिखवा दो। और शनि जो है वो अगर आठवें भाव में है तो भी यही बोलना है, राहु आठवें भाव में है तो भी, राहु नौवें भाव में तो भी बोलना, सभी के साथ होता है। बीवी बंदी नहीं थोड़ी, छोटा मोटा ना झगड़ा रहता, छोटा मोटा सभी तो मजा सबका रहता ही है। कौन सेटिस्फाइड हुआ बीवी से, और बीवी कौन सी सेटिस्फाइड रहनी है, आम कौन सा सेटिस्फाइड कर रहे हैं जो रही। तो ये तो ये चलता रहा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। हमें रिजल्ट यहाँ के देने, तो मैं आपको क्या कहना चाह रहा था कि वाई इट इज अ फ्लू, बिकॉज हमें रिजल्ट यहाँ के देने। हमें नहीं मतलब ये प्लेनेट कहाँ बैठा क्या है, हमें ये पता है सन 11 और 2 के रिजल्ट देगा। 11 की भी उतनी स्ट्रेंथ है, 2 की भी उतनी स्ट्रेंथ, 2 और 11 के रिजल्ट देगा भैया, बस जो है ये दे देगा, बस अच्छा है बुरा है मैं नहीं पता। तो तुम यहाँ पर लोग सुनना भी यही चाहते हैं, आप सुन के है ना काल शब्द होता है, तो वो भी आगे यही समझ जाते हैं, ये भी यही बोले काल शब्द होता है। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लोग जो है जब आएंगे तो आधी बात तो वो आधी से ज्यादा कुंडली जानते हैं, और वो क्यों ऐसी बातें करना चाहते हैं कि क्योंकि या तो वो वेरीफाई करना चाहते हैं वही चीज, कुछ देखना चाहते हैं कि इस आदमी को समझ में आया जो मुझे समझ में आया, तो इजी कंसंट्रेटिंग ऑन माय हॉरोस्कोप एंड इज अंडरस्टैंडिंग माय हॉरोस्कोप, ये भी उनको रहता है। पूछना चाहता है कि इससे कोई मेरा बुरा तो नहीं होगा, तो कई कारणों से वो ये चीज को क्रॉस चेक करना चाहते हैं, वो हमने शुरू में भी डिस्कस कर लिया। अब हाँ बोलो, मैं फिर बोल रही हूं 9 के आगे 411 क्यों दिख रहा है, ये 9th house sun में is placed no Venus, Venus is in 9th house, Venus is in the 9th house and is lord of 4 and 11, वो मैंने ऊपर लिखा lordship of house, ठीक है वो आप लिख लो यहाँ lord है, 2 and 7 का lord है Venus, 4 and 11, similarly कौन से house में Jupiter is placed in the 1st house, it is lord of 9 and 12, so I have written 9 and 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 and 9. Right. इसको थोड़ी सी मेहनत कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम काल सर पे और आगे, ये हॉरर स्कोप है, ठीक है ठीक है। तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ अभी आपकी जन्मपत्री कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये हॉरोस्कोप है। अब इस हॉरोस्कोप में आप देखोगे कि जो जन्म पत्री के अंदर काल सर्प दोष है, लेकिन हमें देखना है काल सर्प दोष है या योग है, ये हमारे को देखना, ठीक है। So you mean to say they are different terms? ऐसे नहीं कि वो योग ही होता है, वो दोष भी होता है। कुछ भी नहीं होता, ऐसे ड्रामा है। हाँ, so that's just to derail the people. They're yes. using these two terms. Yeah, right? That's all. Because it's fear of us. So why? मैं क्यों डरूँगा? If the term is not familiar to me. ये नाना जी ना डांटते हैं। घर में आएंगे ना पापा तो मैं शिकायत लगा दूंगी, बच्चे को पता ही नहीं है पापा डांटते नहीं डांटते, आज तक तो डांटा नहीं था तो उसको लगेगा शाम वाकई मम्मी तो बैठे, उनको मम्मी को पेट होता है, बच्चे भी तो चले हैं ना, तो मम्मी को फेर तो था वो उसको ही अननोन टू द फैक्ट दैट पापा डांटेंगे भी, तो पापा का गहुआ बन जाता है, ठीक है ना। वो बेचारे को चूहे वाली कोठरी में बंद कर देंगे, और चूहे वाली कोठरी क्या थे बच्चे ने कभी नहीं देखी, लेकिन वो डरता सो जा नहीं तो भाऊ आ जाएगा, भाऊ कौन होता है किसी को नहीं पता, किसी ने भी नहीं, माँ ने खुद नहीं देखा होता, ठीक है ना, लेकिन हम डरते हैं, ठीक है ना। तो
तो जहां पर हमारा बिलीफ सिस्टम काम कर रहा होता है वहां हम डरने लग जाते हैं, जहां भी बिलीफ सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो ये वजह से हमारी साइकोलॉजी को ये खराब करते हैं जोशी और हमारे को लूटते हैं। सिंपल सिंपल सीधी सीधे शब्दों में बात करें, जैसे ये पत्नी है, आप देखो इस पत्नी के अंदर alternates are on the one side of object, ठीक है, and date of birth is 24th of April 1973, ठीक है। अब इस पत्री में अब मैं एक घंटा अगर आगे कर देता हूँ तो भी काल सर्प रहता ही है, आप देखो सारे प्लैनेट एक ही, ठीक है। अब मैं इसको एक दिन जो है आगे बढ़ा देता हूं तो भी काल सर्प है, राहु केतु के एक साइड में है ना, मैं कहां से शुरू हुआ था 24th अप्रैल से, तो 25th को भी काल सर्प है, 26th को भी है, 27th को भी है, 28th को भी है, 29th को भी है, ये जब तक मून केतु से यहां तक निकलेगा नहीं तब ये 15 दिन तक काल सर्प रहेगा। तो ऑलमोस्ट सभी की होना चाहिए, तो वो 15 दिन में कितने बच्चे पैदा हो जाएंगे, कितने लोग, तो उनका काल सर्वे होगा। और जब मून यहाँ आ गया बाहर निकल आया तो इसको आंशिक काल सर्वे होता है, आंशिक कुछ नहीं, ये क्वार्टर में ऐड कर दो डराने की, वो तो थोड़ा सा है पूरा नहीं है, तो थोड़े से के लिए 51,000 की पूजा और पूरे के लिए 1,00,000 की कम हो जाएगी, मुझे तो समझ पैसे से मतलब है यार, क्या लेना देना यार, क्या बोलते सर उसको, कुछ भी बोल दो सर आपकी मर्जी है, आंशिक काल सर्वे हो गया, नया ब्रांड नई टर्म आप ही इजाद कर दो, ठीक है ना सर। आप कहने का मतलब है कि काल सर्वे में बच्चे पैदा होंगे और ये जो 15 दिन जो बच्चे पैदा होंगे वो रिक्शा भी चलाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, दे विल बी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। और जब ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ में पैदा होंगे तो बाकी जो होंगे वो तब भी ऑल दे विल बी फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मतलब क्या है कि काल सर्प के हो ना हो डॉक्टर तो रहेंगे, इंजीनियर भी हो सकता है, झाड़ू भी मार सकता है, वकील भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये देखो सर जी, अब मैं आपको दूसरा दिखाते हैं, ये जो जो हमने पढ़ना शुरू किया था तब एक काल सर्प भी होता, 93 की बात कर रहा हूँ सर। हाँ जी सर, एक छोटा क्वेश्चन है पूछूं। हाँ जी सर, काल सर्प योग अभी आपने बताया कि when all planets are between Rahu and Ketu, okay, in the respective houses that fall in between. Now is it also related to the degree of moon and Rahu or Ketu in which they have common, if they are sharing a common house? मैं वही बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, sorry। सारे बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। अब आ गया अनंत काल सर्प योग, कुलिक साल योग, फिर 12 हो गए, ये 95-96 तक आते तक 12 हो गए थे, ठीक है सर। फिर आपको अगर याद हो तो एक टीवी चैनल है उसका नाम है इंडिया टीवी, ठीक है ना सर, वो रजत शर्मा का, तो रजत शर्मा का जो टीवी चैनल है उसमें एक काला सा बंदा आया करता था, काली ऐसे दाढ़ी, बाल बिल्कुल सीधे प्रेस किए हुए बाल, प्रेस होते ना, और यहाँ पर थोड़ी सी वाइट काली, दाती महाराज, वो सब शनि की बातें करते थे बस, वो शक्ल से शनि लगता था अगर आप देखोगे शनि। उसने बताया कि 286 टाइप के काल सर्प होंगे, ठीक है ना। क्या कहने का मतलब हो गया सर जी कि राहु केतु यहाँ है तो काल सर्प एक टाइप का, ये दूसरे टाइप का, ये तीसरे टाइप का, ये चौथे टाइप का, ये पांचवे टाइप का, ये छठे टाइप का, है ना, ऐसे छह टाइप उसके नाम बना दिए जो मैंने अभी आपको नाम दिखाया, ठीक है। अब जितने आप नाम बोलोगे उतने आप नॉलेजेबल लगोगे, जितने आप नाम बोलोगे जो आदमी तकलीफ में है उसको लगेगा ये बड़ा इंटेलिजेंट आदमी, क्यों इंटेलिजेंट है, क्योंकि यूजिंग सम टर्म विच इज नॉट अवेयर ऑफ, इज नॉट अवेयर ऑफ, उसको मालूम ही नहीं है। अनंत काल सर्वे हो गया, बोलता काल सर्वे होगा, बोलते नहीं,
आप में अनंत डाल सकते। ये भी होता है, एक नई आइटम पकड़ ली मैं जो छुड़वाने गया था वो एक और पड़ गया पीछे। फिर जो आपने बोला डिग्री वाली बात है, ठीक है ना, अब वही बात आपकी ठीक है। अगर हम खालसा प्रयोग मान लेना सर, तो क्या है कि हमें देखना पड़ेगा, जैसे राहु केतु इकट्ठे हैं यहाँ पर, राहु यहाँ है, समझ लो केतु यहाँ है, तो हम देखेंगे राहु 5 डिग्री का है और जुपिटर और ये मार्स 4 डिग्री का है और जुपिटर 3 डिग्री का है। तो जुपिटर और मार्स इस तरफ है, राहु की डिग्री ज्यादा है तो भाई कालसर्प है, और अगर वो बाहर निकल गया कोई एक प्लैनेट तो नहीं रहा, लेकिन आपकी मर्जी है, जो मर्जी कहते रहो, अगले को कौन सा पता है। फिर अगर वो बोलता नहीं, ऐसे में नहीं होता, वो बैसता ज्यादा है, बोलता नहीं जी मैं तो पता पकड़ गया, बोलता नहीं ये आंशिक है, नई आइटम पकड़ा दो, या उसको बोले नहीं। कुछ विद्वानों का ये भी कहना है, और कुछ विद्वान कौन है कोई भी नहीं जानता। तो ये कालसर्प जो हो गया ना, इसमें हम कोई इवेंट तो बता नहीं पाए, ऑब्जेक्टिव क्या होगा ज्योतिष का, हमें इवेंट बताना, मैरिज होगी नहीं होगी, चाइल्ड बर्थ होगा नहीं होगा, ओके ही हैज कम फॉर सम प्रॉब्लम बट ही इज नॉट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम, ही इज डिस्कसिंग दैट थिंग व्हिच इज ऑफ नो यूज। वट प्रॉब्लम यू है, बोलते मेरा काम नहीं चलता, बोलते बट तू काल साहब को क्या करना, तू काम को देख। मैं डॉक्टर के पास आया, भाई डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ है, मेरे को दवाई दे दो, मैं ठीक हूँ, बात खत्म करना, तू क्यों चक्कर में पड़ता है। अगर तूने सारी मेडिकल साइंस ही पढ़नी है तूने, तो फिर मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले, यहाँ क्या कर रहा है, डॉक्टर के पास क्या कर, ठीक है। तो ये काल साहब है मोटे तौर पर, ये डराने का धंधा है, ठीक है। ये पत्री मैंने बनाई दिखाई थी, ये सचिन तेंदुलकर की पत्री है। तो अगर कोई आदमी कालसर पहुंचने के बावजूद अगर तेंदुलकर बन सकता, आई थिंक इट्स ओके, गुड इनफ, वेरी गुड। लेकिन ऐसे ही बंदे 15 दिन के अंदर सारे तेंदुलकर तो नहीं बने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कालसर ग्रुप, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा सर। इसके पहले जो आपने दिखाई थी वो सचिन तेंदुलकर की पत्री थी, हाँ जी, इंटरेस्टिंग लग रही थी, मैं वही आप सिखा रहे, तो मैं इनवाइल 10-11 देख रहा था, कमाल के 10-11 बने, अपना मौज है उसकी, मौज आ रहा है, भगवान है जी, भगवान कह रहे लोग, तो लोगों का अलग बात है, वो तो लोगों की परसेप्शन है, उसको रिस्पेक्ट करते हैं, करनी भी चाहिए, ये करनी चाहिए, आदमी ने बहुत अच्छा गेम खेला और डिजर्व्स, पढ़ा, he has concentrated on his sport, very good, very good. अब आगे पितृ दोष, ठीक है, पितृ क्या होगा, हमारे पूर्वज जो चले गए, अब पितृ का दोष है हमारे में, मतलब जाएगी हमारे पितृ जो दादा परदादा पैदा हुए होंगे, ये दोष है। अब भैया अगर वो पैदा मैं कैसे हूंगा जब होंगे नहीं, इसमें दोष कहां से आ गया यार, कमाल के लोग हैं, पितृ दोष है, क्या दोष है, बोले आपके दादा पैदा हुए थे, बोले भैया वो तो होंगे तभी तो पैदा होगा, इसमें कहां से दोष है यार, ठीक हो गया। अब इसमें फिर फर्दर जो है 2-4 बातें हैं, वो जब ये बात करते बोलते नहीं उमंग जी आप समझ नहीं रहे, इसमें दूसरी बात है, मैं समझाओ, बोलते उन्होंने कुछ बुरे काम किए थे उसका कुछ दोष है, मैं कहता हूँ वो जाने क्या, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कर्म का फल है, कि अगर आपने बुरा कर्म किया तो आपको उसका फल मिलेगा, सिंपल, ठीक बात है। मेरे फादर ने कुछ गलत कर्म किया है, मैं अगर उम्र में छोटा हूं तो मेरा उसमें असर पड़ेगा, समझ लो किसी के फादर ने गलत काम किया और उसके फादर जो है जेल चले गए, तो उनके इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, उसका असर आएगा, बिल्कुल आएगा, ये पितृ दोष है। लेकिन मेरा जो परदादा है जिसको मैंने देखा नहीं, मैं पैदा ही नहीं हुआ था,
उससे मेरा क्या लेना देना है, उसमें कहां दोष आ गया, वो तो गड़बड़ हो गया। अगर उसने बहुत पैसा कमाया है तो फिर मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़ कैसे है, फर्स्ट जनरेशन क्रिएट्स, सेकंड मेंटेन्स, थर्ड डिस्ट्रॉयज। तो जो मोतीलाल जी हैं उन्होंने क्रिएट किया, नेहरू जी ने कैसे तैसे जो है उसको मेंटेन किया, और इंदिरा गांधी ने, और आगे की जनरेशन ने उसको डिस्ट्रॉय किया। अब टोटल डिस्ट्रॉय हो जाएगी ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसी होते जनरेशन जैसी आती है तो। लेकिन अब मोतीलाल नेहरू जी ने गलत काम किया था तभी पप्पू पैदा हुआ, पप्पू कांड डांस साला। अब इसको कैसे हम रिलेट करेंगे, रिलेट थोड़ा ना होगा। ये जो पप्पू है बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन माउथ, अब ये जरूरी नहीं है जो अमीर घर में पैदा होगा वो बच्चा बुद्धू ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेमतलब की बात है। तीसरी बात ये करेंगे कि जो बुजुर्ग है वो नाराज है, आपने उनकी पूजा नहीं की या कुछ संस्कार नहीं किया या कुछ नहीं किया, ठीक है। आत्मा जो है, जो हिंदू धर्म जो मैंने पढ़ा देता है, वो क्या है कि भी जब आत्मा निकलती है शरीर से, आप देखना एक दो तीन पिक्चर है प्लीज जरूर देख लेना। एक है गाइड, एक है चमेली की शादी, देख लेना। अरे भाई अब ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना। एक प्यार का पंचनामा, इनको जरूर देख लेना। एक ओ माय गॉड भी देख लेना, ये भी नई नई हमने अपने सिलेबस में डाल लिया, ओ माय गॉड, ठीक है। इसमें मजा आता है, ओ माय गॉड नहीं, मजे तो सारे में ले सकते हैं, कोई बात नहीं, मजे लेने वाला होना चाहिए, अब तो कोई भी ले ले। गाइड जैसी मूवी है तो उसमें एंड में देवानंद डाइस और उसकी आत्मा बाहर निकलने लगती है, शरीर मर रहा होता है, आत्मा डजंट वांट टू कम आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो जो आत्मा वांट्स टू, सॉरी मैंने क्या बोल दिया, आत्मा वांट्स टू नॉट वांट्स टू कम आत्मा इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, आत्मा इज कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी इज थिंकिंग आई एम डाइंग, बॉडी इज थिंकिंग आई एम डाइंग, बॉडी को लग रहा है मैं मर रही हूं। कोई भी बॉडी मरना नहीं चाहती, आप मरना नहीं चाहते, ठीक है। तो जब आत्मा निकल रही होती है तो वो कहती है कमाल हो गया, कितना रोशनी है, कितनी शांति है, कितना अच्छा है। बोलता अच्छा क्या है यार, मैं मर रहा हूं, तू वापस घुस इसके अंदर, बचा इसको। बोलता ना, बोलता ये तो अहंकार है तेरा जो तेरे को लग रहा है मैं मर रहा हूं। बोलते ये तो कपड़े हैं यार, मीन्स नथिंग, इट इज मटेरियलिस्टिक बट मीन्स नथिंग, ठीक है। मच्छर, अच्छा मच्छर काट रहे, ठीक। तो शरीर को मच्छर काट रहे हैं तो शरीर तकलीफ में है, है नहीं, तो मच्छर लाइन लगाते हैं। हम कहाँ थे भाई, कहाँ चले गए, मच्छर काटते नहीं, उससे पहले मच्छर से पहले शरीर से निकल रही है ब्यांतिस क्लोज, बात पवित्र दोष की बात है, ठीक है। तो जो हमारा शरीर जो है उसके अंदर कौन, हमारा नहीं शरीर, आत्म शरीर में कौन सी आत्मा प्रवेश करेगी वो डिपेंड करता है आत्मा के पास्ट कर्मास के ऊपर। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी कहा, परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मेरे अंदर जो आत्मा है मेरा शरीर कर्म करेगा, जो मेरे अच्छे या बुरे कर्म होंगे उसका रिजल्ट मुझे अगले जीवन में मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज है जो मेरी इच्छाएं रह जाएंगी, वो इच्छाएं भी अगर मेरी पूर्ति नहीं हुई, वो भी शरीर जो है चाहिए आत्मा को उस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, और इच्छा कभी मरती नहीं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं भी सब मेरे पे निछावर कर दे, इच्छा खत्म कर दे, मैटर फिनिश हो जाएगा सारा, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था किसकी, पितृदोष की। तो मेरे जो अपने कर्म है बेसिकली वही मेरे साथ चले हैं, मेरी और किसी रिलेशन के कर्म मेरे साथ नहीं चलेंगे,
क्या कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं ऐसी जगह पे पैदा हुआ हूँ जहां मेरे पिता जेल में है तो ये मेरा कर्म है, तो इसलिए मैं जेल में पैदा हुआ। और मेरे पिता क्यों जेल में गए हैं, ये उनका कर्म था, तो ये सब इंटर रिलेटेड है। इतनी हमारी बुद्धि नहीं है इसलिए हम समझ नहीं पाते। और कृष्ण के मामा जी को कह दिया गया, आकाशवाणी कह भी दी कि देवकी का आठवां पुत्र जो है तुम्हारी हत्या करेगा। उसके बाद भी कंस ने अपनी बहन को हस्बैंड के साथ ही बंद कर लिया। देखो इससे बड़ा इडियट आदमी कौन। तो सब कर्म, अब इससे उसकी बहन का कर्म जुड़ा हुआ है क्योंकि तो उसको उसकी ही बहन बनना था, उसके कर्म ऐसे थे, उसको उसका ही बच्चा बनना था, बेटी बननी थी, कर्म सारे जुड़े हुए हैं। पितरी दोष से कोई लड़ा लगा। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट देते हैं, मुझे नहीं लगता है ये ठीक बात, टोटली इनकरेक्ट। जो ये कहता है कि उन्होंने गलत कर्म किए थे, गलत यार हमने भी किए, तुमने अपनी जवानी में किए होंगे, इंसान है, गलतियों का पुतला, गलती तो करेगा ही करेगा, फिर वो सीखता गलतियों से, समझ आती बात, ठीक है। मैं आज हूं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बिना, मेरे अपने पेरेंट्स के बिना हो ही कैसे सकता हूँ, उसी को मैं गाली देना चाहता हूँ, आई कांट अंडरस्टैंड दिस। तो जिनको अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स पे फेथ नहीं है, वो मुझको ऐसा लगता है कि वो पंडित जी से बुद्धू बन रहे हैं और जो है अपने माता पिता को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो करते रहे। सानू की हमें तो अपने समय समझना है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो डिवाइन थे और उन्होंने हमें पैदा किया है। उनकी डिवाइन एक्ट के बिना, जिसको बार बार लोग डिसरिस्पेक्ट देते हैं, मैं पैदा ही नहीं हो सकता था। और उसी डिवाइन एक्ट को, शिवलिंग को हम पूजते भी, वो शिवलिंग कुछ नहीं है, योनि में लिंग है, उसको हम पूजते भी हैं। फिर समस्या क्या है भाई तुम्हें, उसी की हम पूजा करते हैं, उसको ही फूल चढ़ाते हैं, तो फिर भाई समस्या ही क्या है, तो चले हैं, चली बात कर लें दो। नथिंग कॉल्ड काल सर्प दोष, नथिंग कॉल्ड पितृ दोष। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरी सृष्टि में कोई विकार नहीं है, इट्स परफेक्ट। मेरी सृष्टि में कोई विकार नहीं है भाई, इट इज परफेक्टली मेड, इट इज मेड बाय मी भाई, इट इज परफेक्ट। भगवान कृष्ण ने, मैंने बनाई भाई, परफेक्ट है, अपने आप चलती है ना, इट इज मैनेज्ड ऑल ऑफ इट्स ओन। आप ये देखो, ये आपका लैपटॉप है, इसकी आपको बैटरी चार्ज करानी पड़ती है, बैटरी चार्ज के लिए आपको न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना पड़ता है कितने हजार किलोमीटर पीछे या जाके वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या थर्मल पावर स्टेशन लगाना पड़ता है ना आपको। रब की चार्जिंग कैसी है, अगर हम सोलर एनर्जी लगा लें तो वो भी न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। कहाँ है न्यूक्लियर रिएक्टर, कितने साल चलना है वो चल ही रहा है यार, और खत्म ही नहीं होना यार, तुम्हारे जीवन में तो नहीं खत्म होना, बट इट्स परफेक्ट यार। पे मत मत यार पंगे लेते इधर उधर के, उधर के फराने के टिकड़े। सो वी आर मिस यूजिंग दी थिंग्स, देयरफॉर वी आर इन ट्रबल। मिस अगर हम यूज करेंगे प्रॉपर तो ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। हैप्पीनेस इंडेक्स इज मैक्सिमम दैट ऑफ द कंट्री कॉल्ड भूटान, और अमेरिका जैसी कंट्री जिन्होंने खुशी के लिए लास वेगास बनाया है, खुशी के सिवा सब कुछ है, वहां पर डिप्रेशन इंडेक्स इज एट दी हाईएस्ट एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा पितृदोष। अब आ जाते हैं हम कंजंक्शन, यदि की और एस्पेक्ट है ना, एस्पेक्ट का हेलो सर। हाँ जी सर। सर आपने ये बता दिया कि कॉन्सेप्ट इज नॉट ग्रेट मीनिंगफुल, बट ये पत्री देख के पता कैसे चलता है कि दिस इज पितृदोष, मतलब सो कॉल्ड पितृदोष। कुछ भी बोल दो, साडा प्यो की राहु सन कट्ठे हो, क्या होता है कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ When Rahu and Sun are in the same house,
राहु सन टुगेदर इन द नाइंथ हाउस एंड टेंथ हाउस ज्यादातर यही लोग होते हैं राहु सन इन नाइंथ हाउस. वैसे आप कुछ भी बोल दो, वैसे तो कुछ भी बोल दो, अपने बाप का क्या जा रहा है, बाप तो उसका पिट रहा है. ठीक है, अब प्लेनेट होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं. एस्पेक्ट मतलब द प्लेनेट इज प्लेस्ड इन अ साइन एंड इट इज affecting a particular sign from the sign it is placed. एक particular sign को वो effect करता है, उतना effect करता है जैसे बैठा जैसे हो गए sun, चाय आ रहा वो अदरक काली मिर्च वगैरह डाल sun, mercury, venus, so they have seventh aspect, mars, jupiter, saturn. बता रहा हूँ दृष्टि देख रहा है तो उससे असर कर रहा है ऐसा माना जाता है. तो इसमें कैसे करते हैं कि जैसे राहु है यहाँ मैंने फोर लिखा था राहु यहां केतु यहां. ठीक है तो राहु एज विच एस्पेक्ट फाइव एंड नाइन सन मर्करी वीनस एंड मून आर हैविंग सेवन. सेवन का मतलब है 180 डिग्री मतलब सिक्स्थ साइन एक्चुअली लेकिन लिखा सेवन जाता है. राहु तो राहु को छोड़ देते हैं सन को ले लेते हैं. सन हो गया कहा लिखा था हमने ये लिखा था सन. तो सन यहां पर है तो सन विल एस्पेक्ट 180 डिग्री सिक्स साइन फ्रॉम द साइन विच इज प्लेस्ड. लेकिन काउंट इसको करते हैं साथ में ज्योतिष में तो 1 2 3 4 5 6 7 सो इट विल एस्पेक्ट सिक्स साइन 2 + 6 = 8 हो गया. लेकिन कहते हैं सेवंथ है. अब कहते हैं वी हैव टू फॉलो क्योंकि फिर हमने उनसे लोगों से बात करनी है तो कैसे करेंगे. नॉमेनक्लेचर है इस तरह से यूज होता है. इस तरह से मर्करी वीनस मर्करी ये हो गया तो 1 + 6 = 7 सो मर्करी विल एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7. आप हिंदी में बोला सर क्या बोल रहे हैं दृष्टि दृष्टि. अच्छा वो बैठेगा यहाँ पर इस हाउस में लेकिन वो अपनी जो नजर है वो उस घर पे रखिएगा जी सर. हाँ जहाँ पे है वहाँ पे है. इसके बाद समझ लो जुपिटर है तो इस जुपिटर की क्या होगी 5 7 9 ठीक है 1 2 3 4 5 7 5 6 7 8 9 0 0 मतलब तीन जगह पे दृष्टि. हाँ तो ये तो है कि ये है. आप जो बात कर रहे हो कि मैं अगर इतना देखूंगा तो मैं प्रिडिक्ट कैसे करूंगा तो डोंट वरी वी डोंट टेक मच इफेक्ट ऑफ एस्पेक्ट. हम इतना ही करते हैं बस इससे कुछ नहीं करते भाई. बट इट इज यूज स्केसली फॉर सम रीजन तो मैं बता दूंगा क्या रीजन. ये हो गया कि जैसे ये जुपिटर है जुपिटर किस पे एस्पेक्ट कर रहा है सन पे कर रहा है क्योंकि ये इस तो ये पूरे पे करेगा. इसकी कोई भी डिग्री हो ये पूरे पे करेगा. ठीक है तो इसकी 1 डिग्री है सन की 9 29 डिग्री है तो भी इस पे पूरी एस्पेक्ट करेगा
इसका अर्थ सिर्फ इतना हो गया कि जो जुपिटर है वो डुअल बताता है और वो फैलाता है या अच्छा है गुड है। तो इसका मतलब सन की आपकी दशा चल रही है और सन आपको गवर्नमेंट नौकरी दे रहा है तो आपकी पोजीशन और बेहतर होगी उस जगह पे, मोर स्ट्रॉन्गर पोजीशन। बस इस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब वो सन दिला ही रहा है, जॉब वो दिला ही रहा है। तो इतना उसको मतलब प्रेडिक्शन को अगर आपने थोड़ा और रिफाइन करना है तो आपकी इच्छा है, नहीं भी यूज करोगे कोई फांसी नहीं लग रही, ठीक है। चिंता मत करो कि आई एम नॉट पुटिंग लॉट ऑफ रूल्स, कम सामान सफर आसान, मैं भी उसी में तरीके में चलना चाहता हूँ। एंड आई वॉज ऑल्सो बैक बेंचर इन दी क्लास, ज्यादा पढ़ाने से कुछ नहीं होता, ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जग बुआ, पंडित भयो को कोय, ढाई प्रेम को पढ़ो सो मन न कोय। जी सर। सर जैसे आप बता रहे हो कि भी अपना जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है और जुपिटर उसके ऊपर एस्पेक्ट डाल रहा है तो अच्छी जॉब मिलेगी, कहने का मतलब ये है, तो अगर वो कोई बुरा भी इफेक्ट डालता है या किसी और उस पे साइन पे बुरा इफेक्ट डालता है तो उस हिसाब से उसकी बुरा बुराई बढ़ भी जाएगी। बुरा तो होता कुछ नहीं, ठीक है, बुरा होता ही कुछ नहीं। अब बुरा मान ले तो राकेश को मानते हैं, जुपिटर हमेशा पॉजिटिव करेगा, शनि खराब कुछ नहीं करेगा। शनि क्या करेगा, जुपिटर का शनि क्या करेगा कि शनि है, अभी हमने कहा कैसा है, आउट ऑफ कास्ट कल्चर सर्वेंट वगैरह, ठीक है। सर्वेंट क्वार्टर कहाँ होंगे, छोटे होंगे या अभी फुली डेवलप नहीं होंगे, अगर इंडिया में चले जाएंगे तो गंदे होंगे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ छोटा होगा, सर्वेंट क्वार्टर विल बी स्मॉलर बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू बाय अ बिग लैंड, बिग पीस ऑफ लैंड एंड दे कैनॉट मेंटेन इट, राइट। इट विल बी स्मॉलर। इन केस ऑफ इंडिया इट विल बी इन अ झुकी झोपड़ी कॉलोनी दैट इज नियर एन नाला एंड रोड्स आर नॉट परफेक्ट, लाइट सब टाइम नहीं आती और आस पास जो स्कूल है वो भी छोटे छोटे हैं या गवर्नमेंट स्कूल है, मॉल्स नहीं है, दिस एंड दैट, ये ना उतने ज्यादा हमारे वो फैसिलिटीज नहीं है, मोटी बात ये होगी और गंदी भी है। तो अगर समझ लो सैचन एस्पेक्ट कर रहा है, एग्जाम्पल है, हाँ जी, क्योंकि सैचन का 3-7 and 10, हाँ जी, हाँ जी। तो अब उसकी जो जॉब लगेगी, समझ लो उसकी जॉब टीचिंग की लग जाती है, तो उसको जॉब करने के लिए वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी के पास वाले स्कूल में जाना पड़ेगा, जुपिटर है तो उसको ग्रेटर क्लैश में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। एसी स्कूल होगा, ठीक है। सन मून होगा तो गवर्नमेंट होगा, शनि भी आ गया तो होगा तो गवर्नमेंट, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में होगा, यूं हम इसको यूज करेंगे आप, ठीक है। अभी आप ये समझ लो कि एस्पेक्ट, पहले तो समझ लो कि भाई एस्पेक्ट कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 7, ठीक है सर, 8 9 10, वो प्रेडिक्शन की बात, प्रेडिक्शन इजी है, मतलब इतना ज्यादा हम नहीं, इजी तो होती है, हमारे को कहना बड़ा कठिन होता है, कहना बड़ा कठिन होता है, शादी कब होगी, कभी नहीं होगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, बोल के बैठ रहे हो कैसे लिखूं, कभी नहीं होगी, कैसे लिखूं। मैंने कहा योर हॉरोस्कोप इज वीक फॉर मैरिज, तो 1100 रुपए दिए, हॉरोस्कोप इज वीक फॉर मैरिज, majority of plants are not good for marriage. You enjoy it. Makes a fun cut. ये देखो ये भाई साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं बोला। I'm not saying this. You enjoy. फिर मैंने लिखा कि there is a possibility after 4 years ये जो planet है कि एक possibility बने। Possibility enhance करने के लिए ये मंत्र है। उसके बाद अगर मैरिज नहीं होती तो फिर और डिफिकल्ट हो जाएगी, मैरिज करके बंद कर दिया, क्योंकि अगर नहीं लिख देता तो 4 मेल आनी है उसके बाद, उसकी होप खत्म हो जाती, बड़ा डिफिकल्ट है हैंडल करना, तो वो करना पड़ता है। ऐसे नहीं होगी, क्या मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं, क्या पप्पू प्रधानमंत्री बनेगा, नहीं, तो सोनिया माता बुला ले और हम कहते नहीं, गोली तो नहीं मारेगी, गोली तो नहीं मारेगी बेचारी ने, इतना हुआ कि आपको भी थोड़ा लगेगा यार बेचारी बुढ़ी हो रहा है, अच्छा नहीं बोल नहीं सकते सर, आप बोल नहीं सकते, आपके पास कोई आया है कि लड़की की हॉरोस्कोप दिखाने में भाई इसकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, तो उन्होंने कहा यह तो अच्छी नहीं रहेगी इसकी मैरिड लाइफ, क्या उसका रिएक्शन है,
ठीक। दूसरा एक तरीके से मुझे लगता है कि हम काम भी गलती कर रहे हैं, अच्छी नहीं रहने वाली तो नहीं रहने वाली यार, तू क्यों कर रहा है? अब वो बच्ची पे अभी से असर पड़ गया कि मेरी तो अच्छी नहीं रहने वाली, उस नजरिए से देखना शुरू कर देता वो ना? उस नजरिए से देने साइकोलॉजिकली गलत हो जाएगा उसके लिए, तो नहीं भी बुरी होगी तो उसको अच्छी नहीं लगेगी कभी भी, अच्छी होगी भी तो उसके लगेगी कुछ प्रॉब्लम है इस मैरिड लाइफ के अंदर, होता ही है प्रॉब्लम तो हो जाए। नमक जरा सा डाल दिया बीबी ने ज्यादा तो मैरिड लाइफ खराब है, मैरिड लाइफ होगी खराब, हमारी मर्जी हम जो मर्जी बोल रहे यार, ठीक है तू और मंगा ले यार सब्जी यार क्या करें, कोई डाल गई तो उसका कोई इलाज करें, तो नजरिया और ये चीजें भी साथ में ऐड हो जाती है। ठीक है अब आ जाते हैं, शनि हो गया, जुपिटर हो गया, मार्स, अब गंदा गड़बड़ बहुत हो गया ना, मार्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 जो ये होते हैं सेवन होते हैं, जैसे ये इधर ये है तो ये उसका सेवन हो गया, ये ऐसे सेवन हो गए आपस में इस तरह से, ये सेवन हो गए, ये सेवन हो गए, ये सेवन हो गए, ये सेवन हो गए, धीरे धीरे आप पत्री देखते रहोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो ये थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, थोड़े से हॉरोस्कोप बना के ना, ये इधर देख रहा है उधर देख रहा है, ये यू हैव टू डू टेक आउट योर हॉरोस्कोप, फादर्स मदर्स एनीबॉडी, तो देखते रहोगे ये रिजल्ट क्या आएगा बाद में देख लेंगे, इनमें थोड़ा सा आपको कुछ किताबों में मैंने पढ़ा था, मुझे बिल्कुल याद है आज की किताब में, जैसे मैंने और जगह पढ़ा मंगल की 1 4 7 8 12 नहीं 4 7 8 नहीं यहाँ पे तो नाड़ी में 4 7 इट इज नॉट नाड़ी, इट इज दिस इन इंडियन एस्ट्रोलॉजी इट इज 4 7 8 उसमें 1 4 7 मतलब कईयों में सर नहीं है ना सर मंगल छोड़ दो क्या दिक्कत है 19 3 2017 ठीक है। अब इस समय पे सन कहाँ आएगा? ठंड हो गई है, ठंड है आपको, पहले आपको सेंडर लगाना पड़ेगा, कोई भी ले लेते सर, नाइनटीन मार्च जो मैं वही निकाल लेता हूँ आपको, ये क्या है सन क्या हो रही है, क्या हो गया अभी असेंडेंट जमीन, भाई तुम देखो ना मेरे तो ऐसे यार अंदाजे से कर लिया, बट वी हैव टू वेरीफाई ना, कैंसर होना चाहिए, कैंसर हो सकता है, जेमिनी कैंसर, जेमिनी ही कैंसर है, देख लेते ना, जेमिनी अब ये इसको देख लेते हैं 19th को 10:40 पे क्या कौन शुरू हो रहा है जेमिनी और 12:54 पे जेमिनी खत्म हो रहा है ठीक है ना 10:40 पे जेमिनी शुरू हो रहा है
1954 और 1254 पे खत्म हो रहा है. ठीक, असेंडेंट इज जेमिनी. सो वी राइट जेमिनी है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. अब क्या है कि अगर हम 2017 का लेते हैं, पता नहीं आपको, पता नहीं 17 वाला नेक्स्ट टाइम मैं आपको बता दूंगा. मरकरी वीनस तो इसके आसपास ही होंगे, ठीक है ना. शनि जुपिटर पूरे साल तकरीबन उधर ही रहने वाले हैं, उन्होंने कहीं नहीं आना जाना. ठीक है, तो शनि का आधा पीछे उन्होंने बनाए थे, शनि था यहाँ, जुपिटर था यहाँ, मरकरी वीनस आसपास ही होंगे, आसपास ही. तो देख लेते वो ऐसे मेरी से पता चल रहा है ना. तो 19 में इट इज 11 मार्च वीनस इन वीनस एरीज में चला गया. राहु केतु भी पूरे साल घूमते फिरते नहीं ज्यादा, है ना. तो राहु इज हियर, केतु इज हियर, हमें बनाना पड़ेगा का ढूंढना पड़ेगा मार्स का और मून का. तो मून 19 तारीख को है, मार्स है मैं एफएमआरएस में देख रहा हूँ. 8, 19 या फिर मेरी जब मैं खोल देता हूँ. सर कौन सी देखी थी? 19 मार्च है. मैं मार्च है ना सर. ओह ये भाई घर में किया करो काम कुछ. मम्मी कैसी है? ये असेंडेंट कैसे है ये तो समझ में आ गया. तो ये 3 तो समझ में आ गया, ठीक है. अब आपने देखना है सन की डिग्री. 19 मार्च देखो कहा है. 19 मार्च तो मैंने 12 में लिखा सर. फिर आप मून को देखो 19 को 11 साइन 2 डिग्री 27 मिनट्स. मून लॉन्गिट्यूड देखो 11 साइन 2 डिग्री 27 मिनट्स. राहु है 10 साइन 22 डिग्री. सो आई हैव टू राइट इन 11. Mars, Mercury is 19th go. 6 degree 32 minutes. ठीक है ना. 6 degree 32 minute हो गया. तो sign क्या चल रहा है? Sign देखो. Sign. ये ऊपर S. ये sign है. This is 10, 10, 10. ठीक है ना. तो 10 sign हो गया. 11 हो गया ना सर. तो 11 में जाएगा. ठीक है. तो Mercury 11 में चला गया. Venus जो है उसके बाद वीनस जो है वो 19 को देखेंगे हम. 07 डिग्री 21 मिनट. और मार्स जो है वो 9 साइन 21 डिग्री. ठीक है ना. मार्स 10th में जाएगा. तो इस तरीके से ये सारे प्लैनेट्स इसमें प्लेस हो जाएंगे. ठीक है सर. ये हम साइन के हिसाब से लिख रहे हैं तो डिग्री क्यों चेक कर रहे हैं? डिग्री हम आगे इसको यूज करेंगे ना. मैंने बोला था नक्षत्र भी यूज करना है और सब लॉर्ड भी यूज करना है. तो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. वो बाद में होगा, अभी तो नहीं यूज. नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा ना. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना ना. एकदम से सारा करा दूंगा तो फिर बैठेगा नहीं दिमाग. पिछला ही भूल जाते हो. एकदम से लोड कर दूंगा तो कैसे चलेगा. तो ये प्लेसमेंट ऑन प्लेनेट होगी. तो ये हमारी हॉरोस्कोप बन गई.
तो ये हॉरोस्कोप बन गई हमारी, ठीक है। अब हमें देखना है इसकी लॉर्डशिप और प्लेसमेंट, ठीक है ना, फिर हम इसके आस्पेक्ट देखो, ठीक है। अब देखो केतु, केतु कहां बैठा है, अब नलायक बच्चे से पूछेंगे केतु कौन से हाउस में है, थ्री, करेक्ट, वेरी गुड। अभी नलायक बच्चा जाएगा, अभी बच्चा सेना होगा, आई टेक माय वर्ड्स बैक, थोड़ा सेना होगा। वीनस, वीनस कहां पर है, वन, यू हैव टू टेल द हाउस, नो आई विल नॉट टेक, आस्क द साइन एंड आस्क द हाउस, 11, राइट, सो आई विल राइट डाउन फ्रेंड्स इन द हाउस एंड which house it is lord of, Venus is lord of 2 and 7, so 2 and 12 and 1 2 3 4 12 and 4 1 2 3 4 5 right, very good. ye ho gaya answer, to bhai ab waqai bachcha acha ho gaya tha, waqai acha ho gaya, theek hai. Ab aa jate hain hum dusre pe, sun, sun is placed in which house? 10th. Lord of? 5. One, 3. So, aise hum likh denge. Jaise moon hai, is placed in the 10th house. Lord of? 4. 2. Mars is in 8th house. Yeah. And Mars reflect 8 and 1. Yeah. सर या तो मैं भूल गया हूँ या पिछली क्लास में था नहीं मैं, इसलिए पता नहीं है, ये भी नहीं पता पिछले क्लास में था या नहीं, क्लास में नहीं था तो शायद इसलिए नहीं पता है। लॉर्डशिप ऑफ द हाउस ये हम निकालते हैं या याद करनी पड़ती है, ये तो निकालते हैं ना हर जन्म पर, असेंडेंट बदलेगा तो लॉर्डशिप ऑफ हाउस बदल जाएगी। मुझे सर ये पता है कि कौन सा हाउस, मतलब कौन सा नंबर का हाउस है, ये पता है कि उसमें कैसे एफएमरी से देख करके कैसे वो बनाना है, चार्ट बनाना है, वो भी मालूम पड़ा। उसके बाद प्लेसमेंट जैसे तब भी ठीक है, जुपिटर जो है इज लॉर्ड ऑफ 9 एंड 12, 9 and 12 sign, ठीक है। अब हमने देखने line, ये हमें याद करना पड़ेगा ना सर, जुपिटर इज लॉर्ड ऑफ 9 एंड वो याद करना है ना, वो हमें याद करना बस, हाँ बस बस ठीक है ठीक, वो नहीं निकाल सकते ना हम, ना वो कैसे, बस ठीक है। अब ये बस ये हमारा बन गया, स्पीकर व्यू आना चाहिए यार, तेरा थोबड़ा भी हमारा, हाँ मेरा ठीक है, बोर्ड दिखेगा उससे। So this is what we have to do for predictive purpose. First we have to make the horoscope, then we have to find out which placement and lordship is there. यहाँ पर हम इसलिए लिख देते हैं, इसके बाद इसकी जरूरत ही ना रहे, काम ही खत्म हो जाए, यहाँ लिख ही दिया तो फिर बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर क्या है कि ये जो आप aspect देखेंगे तो sun is aspecting the 7th house. So sun will aspect here. Moon will also aspect here. Mars will aspect 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6, 7, and 8. 5, so, meri galti hai, yes. I'm so sorry. 3, 4, 5, 7, and then 8. Haan ji, bolo ji. Sir, ye Jupiter 4, 7 kaise ho gaya hai? जुपिटर कहाँ से हो गया, तो इधर लॉर्डशिप में, मैं भी यही पूछ रही हूँ, जुपिटर गड़बड़ कर दी क्या सर, गलत है ये,
मैं तो कई का इंसान गलती हुआ पता है इंसान गलती कर ही सकता है सर आप ये कहना चाह रहे दृष्टि में जो ये चार प्लैनेट इकट्ठे होते हैं है ना सन मरकरी वीनस मून ये आपस में आसपास ही होते हैं तो ये इनकी सिर्फ दृष्टि एक ही इस पे होगी सन मरकरी वीनस मून है ना एक ही और जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनकी ज्यादा होती है मार्स जुपिटर ज्यादा होती है हाँ उसके रीजन हमें नहीं बताया वो सारे नजदीक वाले एक ही पे हो गए ज्यादा हो गए दूर भी तो है क्यों बनाए हैं ये तो थ्योरी है आगे काम करेगी नहीं करेगी वो देख थोड़ा थोड़ी समझा ये थोड़ा मेहनत करोगे ना जैसे आपकी बनी पड़ी होगी जरूरी बात प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा अब से आपको सर ज्यादा खाया जाएगा क्यों पहले कम खाया जा रहा था मतलब समझा नहीं मैं वो डरा रहा हूं मतलब व्हाट डू यू वांट टू से आई कांट अंडरस्टैंड राइट है मैं डोची बंद जाए से तो काम है हमारा डरा ओह वेरी गुड वेरी गुड ये बनेगी सर सर जी जी बताइए सर ये जैसे केतु का था एस्पेक्ट जो है वो 5 और 9 पर है तो हम हाउस को देखेंगे तो 7 और 11 पर भी उसकी दृष्टि रहेगी मतलब केतु 5 9 को देखता है जी तो जैसे अब केतु फिलहाल जो बैठा है वो 3rd हाउस में है तो उसका मतलब 7 और 11 पर भी उसकी पूरी नजर रहेगी वेरी करेक्ट क्या बोली यही बोल रहे हैं कि केतु इन द 3rd हाउस तो उसके एस्पेक्ट काम पड़ेगी 7 और 10 तो केतु की पड़ेगी 7 और ये 11 सॉरी मैं 10 बोल दिया शायद 7 और 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 और 9 पे मैंने ज्यादा नहीं किया क्योंकि फिर वो सारी जगह ही काटा जीरो हो जाएगा दृष्टि पढ़ने का क्या मतलब होता है दृष्टि का मतलब है वो इफेक्ट करता है इफेक्ट का मतलब है मतलब जो भारतीय जो हमें रट्टा करना है ये रट्टा कि मतलब वो उसका ऐसा ही रिजल्ट होगा जैसे वो प्लैनेट प्लेस्ड है दृष्टि का मतलब हो गया जैसे फोन कर सकते हो आप अपनी सेठी को आप 2 जगह ओन करते हो एक जो आपका वर्क प्लेस एक आपका हाउस 2 जगह आप ओन करते हो ओनर का मतलब ये नहीं कि भाई हमने परचेज ही करना मतलब पूरा इख्तियार तो है फिर एक जगह पर बैठे हो जैसे अब यहाँ बैठे हो काम करते हो आप जहां भी करते हो घर जहां आपका है न्यू फ्रेंड्स को नहीं लोगों को पता चल गया ठीक है और एक है कि जहां आप एस्पेक्ट जैसे फोन करके अपने सहेली से बात करते हो फोन करके किसी और से वो एस्पेक्ट वो आपके लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं होते तो उसको इंडियन एस्ट्रोलॉजी में स्ट्रांग माना भी नहीं गया तो मैं भी यही कह रहा हूँ कि जैसे सन है मतलब गवर्नमेंट जॉब जॉब है तो जॉब विल बी टेकन केयर बाय हाउसेज व्हेन अ पर्सन विल गेट अ जॉब विच टाइप ऑफ जॉब विल बी टेकन केयर बाय द प्लैनेट्स विच इज इन हाँ विच आर इन aspects, conjunctions, the planet itself. Itself means sun is government job. Then Saturn is aspecting. So then he'll get a government job as a teacher, but she'll have to go to a resettlement colony type where she will be posted at. And then when her period will change, mukti is changing, then her Jupiter's period will come, Venus will come, then her change will change. जगह पे सेंट्रल स्कूल जैसे हर जगह पे एग्जांपल समझाने की कोशिश कर लो सेंट्रल स्कूल्स अब दिल्ली के अंदर
हर जगह पे होंगे, जो कॉलोनीज अच्छी नहीं भी है या बहुत अच्छी भी है, तो इस तरह से उसका चेंजेस होते रहेंगे। ये इस तरह से कार परचेज करेगा अगर शुभ ग्रह का मतलब प्लैनेट्स शुभ आपको समझ में आ जाएगा, इंडिया में समझाने की जरूरत नहीं। राकेश अशुभ बाकी शुभ, ये समझाने की अशुभ नहीं है मतलब, वो राकेश तो आपको बताएगा, तो मतलब वो पुरानी कार लेगा, पड़ोसियों से दोस्ती हो जाएगी उसकी, तो उस पर धक्का मारा करेगा। और जब अच्छे वाले होंगे जुपिटर वीनस वगैरह तो फिर भी परचेजिंग न्यू आई। तो इस तरह से एवरी टाइम विल बी यूजिंग लाइक दिस। राकेश होगा तो फिर जो है धेमा मान ली कि धर्मेंद्र से शादी होगी, दो बच्चे दहेज में मिलेंगे, ऑलरेडी मैरिड होगा, पराठे मांगेगा, रात दारू पिएगा, और धर्मेंद्र की मरकरी का पीरियड चल रहा है अपने से कम एज की, उसका राकेश चल रहा है उसकी बुढ़े अंकल से। Basically, she's lived it alone, no? Or she's made it alone for the whole journey, in spite of having a husband, so called. Yes, but her husband to tha. She gave an interview on the street. I think, I don't know about their personal relations and all. मुझे नहीं पता। But वो है कि अपने से बड़े उम्र से, लेकिन ये है कि बड़े उम्र से होने का मतलब ये नहीं होता कि मेरिड लाइफ खराब हो, ऐसा भी नहीं होता। बड़े उम्र के होने से भी मेरिड लाइफ अच्छी हो सकती है, और छोटे के उम्र से होने से मेरिड लाइफ खराब भी हो सकती है। बाय जनरल कॉमन सेंस ट्यूनिंग नहीं बनेगी, जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से। जो जब आदमी यंग होता है तो वो उतना मैच्योर नहीं होता, और उसकी प्रायोरिटीज लाइफ की डिफरेंट होती है, और जब बड़े उम्र का हो जाता है तो उसकी लाइफ की प्रायोरिटीज बदलने लग जाती है, उसका माइंड का मेकअप भी बदलने लग जाता है, प्रोफेशनली ज्यादा सोचने लग जाता है, फिर ज्यादा बढ़ जाता है, स्पिरिचुअली ज्यादा सोचने लग जाता है। तो स्पिरिचुअल आदमी के साथ अगर शादी होगी इमाम अली की तो गड़बड़ तो होगी, छुप तो है ना, तो वो एक जनरल सी बात है। बाकी खराब हो मेरिड लाइफ ये मैं नहीं कहता, ये तो खैर होगा ही होगा, ये तो जनरल कॉमन सेंस है। हस्बैंड बेशक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो बट ही हैज नो प्रॉब्लम, बीवी कहाँ आ रही है, जा रही है, घूम रही है, क्या पहन रही है, समझे, तो वाइफ इज फ्री तो झगड़ा कम होगा। इन चीजों के बारे में तो नहीं होता ना, कहाँ गई थी, वो मार्केट गई थी, क्यों गई थी, इस टाइप का हस्बैंड भी हो सकता है, तो वो तो किसी भी एज का हो सकता है, तो वो तो नहीं है ना इस तरीके से। तो अच्छा है मैरिड लाइफ, बुरी मैरिड लाइफ, उसका प्लान से कोई लेना देना नहीं, उसका हाउस से लेना, जो मेजर मेजर चीजें हैं उसका हाउस से लेना देना, गुड मैरिड लाइफ या बैड मैरिड लाइफ, वो झगड़ा होगा नहीं होगा आपस में, डिफरेंस ओपिनियन हर एक के होंगे, तो हो ही नहीं सकता डिफरेंस ओपिनियन ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल, तो हो ही नहीं सकता। पहले तो वो मेल है, वो फीमेल है, पहले ही तो बातें बदल गई। तो मेरी वाइफ कई बार कहती है ये रोज खरीद लाती है, घर में रोज पार्सल आ रहा था, कभी अमेजोन से आ रहा है, कभी फ्लिपकार्ट से आया, मैं क्या मंगाती हूँ, कभी सैंडल मंगा लेती, कभी कपड़े मंगा रही, कभी कुछ मंगा रही, कभी लिपस्टिक मंगा रही, मतलब लड़की है भाई, लड़की है भाई, मंगाएगी भाई वो लड़की, और 12-15 सेंट लेना हो रोज, हफ्ते महीने के अंदर एक आधा कपड़ा भी नहीं खरीदे, तो काय बात की लड़की, 15 सेंट के बाद तो पहने को कुछ नहीं, नहीं वो तभी तो और मंगा रही है तो नेचुरल है वो लड़की है, लड़के के साथ ऐसा कम ही होगा, वो कुछ और चीजें मंगाएगा, वो वॉच मंगा रहा है, कुछ मंगा रहा है, ठीक है, लड़की को लगेगी वॉच क्यों मंगा रहा है, लड़के को लगेगा 15 है सेंट तेरे पास है तो इतने तेरा सूट पड़े हैं, फिर वो पहने कुछ नहीं है, क्या मतलब है? ये तो डिफरेंस हो गया, मैंने चुरा लिया, बताओ उससे जो है लड़की ने क्या इतनी साड़ियां थी उसपे, वो जयललिता पे 10,000 साड़ी, उसके बाद भी बेचारी नहीं होगी, बेचारी मरी तो कोई साड़ी नहीं उसके लिए, उसपे सैंडल कितने, मतलब जब मरी तो कुछ साड़ी किसी काम की नहीं थी, लाई थी मतलब, यही कह रहे हैं तो है ये सर, मटेरियलिस्टिक चीज है ना, शी वाज फ्रॉम ग्लैमर, ग्लैमर इंडस्ट्री, तो ग्लैमर इंडस्ट्री में तो वो चीजें और ज्यादा होंगी, फिर तो 17 सैंडल नहीं होंगी, 70 सैंडल होंगी, जाहिर सी बात है ग्लैमर है, उधर तो इन चीजों का बड़ा क्रेज है, जो इस लाइन में उनको भी बहुत क्रेज है। आपने एक साड़ी खरीद ली,
तो वो आप साड़ी दोबारा रिपीट कैसे कर सकते हो? आम आदमी है तो ये मतलब ये पैंट पहनना तो मैं पहन ही जा रहा हूँ, मेरे को तो याद ही नहीं मैं कि मैं दोबारा कहाँ गया था तो कौन सी पहनी थी, काली कमीज थी, नीली थी, हरी थी, गुलाबी थी, मेरा मतलब ही नहीं, मेरा तो माइंड सेट डिफरेंट है ना। जो ग्लैमर क्लाइंट का आदमी है उसका माइंड सेट डिफरेंट है, वो तो अगर एक फंक्शन में चले गए तो उन्हें एक जो क्या होता है कपड़े को क्या कहते हैं कंसेंट्रेशन सभी कैमरे वालों की उस पे, वो तो दूसरा वही सूट पहन के आ गई तो कैसे होगा? जिसके पास पैसा आ गया उसको तो हो गया ना सर, वो तो अफोर्ड कर रहा है तो फिर तो हो ही जाता है। जनानियां जो किटी पार्टी में क्या बात करती है, यही तो करना, क्या खरीदा तो मैंने क्या खरीदा। बट ग्लैमर में तो यही है ना, ग्लैमर में तो यही है ना, तो जिसका पैसा ज्यादा ग्लैमर अपने आ जाता है। पार्टीज का क्या मतलब है, नाइट आउट का क्या मतलब है जब आपकी जेब में पैसा है? और नाइट लाइफ का क्या मतलब, जाओ के वो पैसा तो नाइट लाइफ है, हमारी क्या नाइट लाइफ है, सो जाओ भाई। नाइट लाइफ होगी, मॉर्निंग लाइफ क्या, उठ जाओ भाई। हैं जिम जिम चले जाओ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बार कर लो, जिम के पैसे बचा, ये हमारी मॉर्निंग लाइफ है, फिर बाकी सारी काम करना। तो यही है, तो वो तो माइंड सेट चलता बदलता रहेगा जैसे जैसे, तो ऐसे ही है डिफरेंस ओपिनियन है। तो अगर उसको था वो लेडी थी उसका, उससे किससे शादी हुई थी, सलमान रुश्दी की शादी किससे हुई थी, लक्ष्मी से, पद्मा लक्ष्मी। हाँ, अब वो कैसे जमेगी, नहीं चलेगी ना दोनों की मैरिड लाइफ, बिल्कुल ना चलेगी। सलमान रुश्दी जो है वो पढ़ा लिखा सा आदमी है, वो ग्लैमर की जनानी है। अब वो सलमान रुश्दी कभी ग्लैमर किसी फंक्शन फंक्शन में चला, गरीब आदमी चला गया होगा, वो चला भी जाएगा, क्योंकि जब राइटर बड़ा हो गया तो हमारे हिसाब से वो वीनस हो गया। आप ये देखें कि रिपोर्टर भी जब बड़ा हो गया वो वीनस हो जाता है, तो वो सच्चाई से भाग जाता है। बरखा दत्त, बेमतलब सिर फुड़वाई, ये जितने भी बड़े बड़े जर्नलिस्ट है ये आम आदमी से कट जाते हैं, जब कट जाते हैं तो ये अपने आप को स्याड़ा समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से सलमान रुश्दी भी, वो जब उसकी कोई नॉवेल जो है वो हिट हो गया, मुझे जो बैन हो गया वो हिट हो गया, तो अब वो घूमेगा ऐसी जैसी जगहों पे। तो वो जनानी भी है, उसको भी लगा पैसा इसके पास है और ठीक है, दो चार गपशप हुई, उसने इंटेलेक्चुअल बात की। अब जो मॉडल है उससे इंटेलेक्चुअल बात कम होगी, लोग कम इंटेलेक्चुअल बात करेंगे, तो उसको जब इंटेलेक्चुअल हो जाए, शी फेल्स इन लव विद हिम एंड ही फेल्स इन लव विद हर, बिकॉज वो बेचारा तो बिना नहाए धोए बैठा लिखता रहा, तो उसको तो लगी यार क्या जनानी होगी, तो कुछ टाइम का अट्रैक्शन, बट उनके माइंड तो अलग है ना। वो अब वो रोज जब शादी होगी तो रोज करती है नई ड्रेस पहननी है, रोज पूछती है कि मैं कैसी लग रही, जब रोज नई ड्रेस है तो पूछेगा ना सर, पूछेगा। अब मैं काफी टाइम से ये कमीज पहन रहा हूँ तो मेरे को न्यू पिंच तो नहीं, एक ही पूछोगे ना, एक ही बार न्यू पिंच है, उसको रोज ही पिंच हो रहा है, वो देखता ही नहीं, बोलते मैं कैसे लग रही हूँ इस ड्रेस में, बोलते अच्छा तुमने ड्रेस भी पहन ली, अच्छा हाँ कौन सी पहनी, तो डिफरेंट हो गया ना। वो अपना सोच रहा है नया नॉवल लिखने का, उसको नए आइडिया आ रहे, वो कहती है इस पे सूट पे क्या लिखूं मैं, तो भाई वो बोलते तू ये क्या सोचता रहता 24 घंटे, कुछ लेट अस एंजॉय आल्सो फॉर सम टाइम, वो तो वैसी है ना, सम टाइम वी शुड कम आउट एंड एंजॉय आल्सो। मुझे तो ये आज तक एंजॉय शब्द ही नहीं पता चला क्या है, मैं अपनी बात सुन, हाउ कैन एंजॉय, बट व्हाट इज एंजॉयमेंट। मेरा बेटा बोलते पापा आप काम करते हो, मैं कहा एंजॉय वर्क, एंजॉय वर्क नहीं है वो, काम पड़ा होता है, लोग भाई फिर भाई साहब प्रिडिक्शन ही भेजिए, प्रिडिक्शन मैं भेजो करोगे करो, प्रिडिक्शन चली जाती है, मेरी शांति पड़ जाती है, मैं एंजॉय करूंगा, ठीक है ना। काम का प्रेशर खत्म हो गया,
फ्री हो यार, नहीं तो काय हाउ कैन यू एंजॉय, काम का प्रेशर है, बड़ा बड़ा मेल आई जा रही है, फीमेल नहीं आती, मेल ही आती, सॉरी मेरे पास तो आती रहती मेल बार बार, वो लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो हाउ कैन यू एंजॉय, तो वो बेचारे को तो काम करना, उसको काम का प्रेशर है, वो कहती है उसके उसके जो फ्रेंड सर्कल वगैरह है वो तो डिफरेंट है ना, वो ज्यादा नहीं चलेगी मेरे, बर्ड ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कौआ जब चला गया वो हंस के उसमें वो क्या नहीं मोरों के वो पीछे मोर बांध के, आपने सुना तो मेरे समझ नहीं आई, बस छोटा था मेरे को समझ में नहीं आया, वो तो कोट है ना, एक हम दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो उसमें एक या थर्ड क्लास की किताब थी हिंदी की, तो उसके अंदर एक स्टोरी थी कि कौए के पीछे मोर का पंख बांध लिया, कौए ने मोर का पंख अपने नीचे बांध लिया, वो गया मोरों के पास, मैं तो मोर हूँ, बोले नहीं तू कौआ है, तो कौओं के आया तो बोला तू मोर है, मैं कौआ हूँ, तो बोले नहीं अब तू मोर है, तो बात यह है कि इंडिविजुअलिटी जो है अपनी खत्म हो जाती है, तो ज्यादा देर मतलब चलती ज्यादा देर आप छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि मैं किसी भी पार्टी में जाऊंगा तो मैं घंटे के बाद बोलूंगा यार राहु के तू से नहीं कहा है और राखी समझ जाइए बोले ओ मेरी जीसस ओ माय जीसस, वो जब जीजस 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 ओ माय जीजस, वो जीजस जीजस नहीं करेगी तो कैसे बात बनेगी, जैसा आदमी है वैसे ही वो वैसे भी है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य, तो मैंने आदमी ब्रह्मचर्य देन इज हैप्पी, बात से बात निकल आई, तो राइटर से शादी कर लेते हो यार हो जाता कुछ जीवन चल जाता सही, मतलब जो लोग जरूरी नहीं है कि राइटर से ही शादी करने से चलती है, आजकल जैसे देख रहे हैं डॉक्टर डॉक्टर से ही शादी कर रहे हैं, वो इसलिए वकील वकील से ही कर रहे हैं, जज देख रहा है तो जज को ही देख रहा है, दूसरे जज ही मिल जाए, आईएएस भी आईएएस को ही ढूंढ रहा है, सर उसका रीजन वो होता है आपकी बात में सच्चाई ज्यादा है, उसका रीजन ये होता है कि डॉक्टर जो है कभी सुबह जा रहे हैं शाम जा रहे हैं रात जा रहे हैं, ये होता है तो दूसरा आदमी वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है, मेरी वाइफ उसे समझ नहीं, क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझ तो उसको भी आ रहा है बट दिस टाइप ऑफ लाइफ ही हैज नॉट लेड यू, बड़ा डिस्टर्ब लाइफ है, बट क्योंकि डॉक्टर और डॉक्टर नहीं दोनों को पता ही ऐसी लाइफ है तो उनको उनको डिस्टर्बेंस फील नहीं होती, ये हो गया, जब आपको सत्ता का नशा होता है यू आर अ जज तो आपको लगता नहीं कि आप किसी डॉक्टर डॉक्टर से ऐसे इंजीनियर इंजीनियर लड़की टीचर से शादी कर लो, ये मेरे लेवल की नहीं है, उसका लेवल ही ला, इसलिए जजों की लाइफ या आईएएस की जो मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चलती, क्योंकि वो आईएएस भी कहता है मैं छोटी मोटी पांचवी क्लास की पढ़ने वाली जो टीचर है उससे मैं शादी करूंगा क्या, मेरा तो लेवल ही नहीं मिलता, वो आईएएस से ही कर लेता है, अब आईएएस से कर लेते हैं तो वो दोनों के ईगो क्लैश होते हैं, वो तो सारा दिन हुक्म चलाती है क्या हुआ काम क्या हुआ, घर में भी वो कुछ देर यू करती है तो फिर वो बोलता है ना तो उनके प्रॉब्लम होती है, ठीक है, एनीवे हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तो विल बी हैप्पीएस्ट इन लाइफ, नहीं ब्रह्मचर्य जैसे ब्रह्म ने आपको बनाया वैसे ही आपको रहना चाहिए व्यवहार करना चाहिए, सो इफ यू आर अ डियर व्हाई यू वांट टू बिकम अ लायन, डियर को लायन खाता रहा है कितने हजारों साल से, डियर ने आज तक लायन बनने की कोशिश नहीं की, लेकिन हिंदुस्तान जो सॉरी इंसान है उसको मार्स पे जाना, तो क्यों जाना थे तो यार बैठे है ना क्या नाम यार सैटेलाइट छोड़ना क्यों छोड़ना यार, मतलब यार सैटेलाइट छोड़ने हमने प्रोग्रेस कर ली फिर क्या हुआ वो डिप्रेशन आ रहा है और प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रोग्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन, जितनी प्रोग्रेस है उतनी समस्या, छोटे होते थे हम लाइट नहीं होती थी
लाइट जब आ जाती थी इतनी खुशी होती थी, वो खुशी बंद हो गई है, लाइट ही लाइट है, खुशी बंद हो गई, सही बात है, पूरे मोहल्ले में आ गई, आ गई, मोहल्ला इकट्ठा होता था, बाहर के लोग चले गए। तो अब हम ज्यादा दुखी होते जा रहे हैं क्योंकि नेचर ने हमको ब्रह्मचर्य रहे, मतलब राय इकट्ठा रहना, जब हम इकट्ठे नहीं रहते हैं तो वी गेट इनटू डिप्रेशन। कैसे, लड़की है उसकी शादी हुई हस्बैंड के साथ, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। अब वो जो है उसका झगड़ा हो गया, अब वो रहती है अकेली, अब वो रो रही है, उसने फटाफट किसको फोन करना है, अपनी मम्मी को, मम्मी ने कहा अच्छा ऐसा किया इसने, तू 100 नंबर फोन ला, मैं आ रही हूं, ठीक। अब समझ दूसरी कंडीशन है, लड़की ने शादी करी और वो इकट्ठे रहते हैं, अब वो उसकी सास से तो बनती नहीं, किसी की भी नहीं बनती, सच्ची में सर, ब्रह्मचर्य मतलब ज्यादातर यही होगा, दो जनानियां एक किचन में नहीं काम कर सकती, पक्की बात, माँ बेटी हो चाहे बहू सास हो, पंगा रहता। अब वो जब, अब जब रो रही है तो गड़बड़ हो, फिर सास बदल जाती है एकदम से, अब उसको ऑब्वियसली भी तो वो उसको मनाएगी, परेशान ना हो, वो तो ऐसा ही है, झगड़ा करता है, मेरा बेटा है मैं जानती हूँ, शाम तक ठीक हो जाएगा, उसको मनाएगी कुछ देर, उसको जैसे बहलाएगी तो उसको ठीक होगा। अगर माँ को नहीं पता चला, देवर को पता चल गया, नंद को पता चल गया तो मना लेगी, घर टूटेगा नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यार सोशल पेपर, जब हम इकट्ठे रहते हैं देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स बट वी आर हैप्पियर, आई एम नॉट सेइंग देर आर नो प्रॉब्लम्स, जहाँ इकट्ठे होंगे बर्तन बजेंगे, जब हम अकेले रहते हैं तो फिर जैसे अमेरिका में है डिप्रेशन, दिस एंड दैट, अलग अलग हम तभी रहते हैं तब हमारे पास पैसे ज्यादा आ जाता है, अब हमें दूसरा मकान, जब जेब में पैसा नहीं है तो दूसरा मकान खरीदने का नहीं, तो बाप के पास रहना पड़ेगा, बाप की सुननी पड़ेगी, पैसा आ गया तो बाप की कौन सुने, तो वी शुड बिहेव द वे वी आर, यू विल बी द हैप्पीएस्ट, जैसा मैं हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ। अगर आपके डांस करने का दिल ना, दुनिया दुनिया करे सवाल तो मैं क्या जवाब, भूतनी का नहीं डांस करे तो भी सवाल है, ऐसी खराब, ठीक है ना, लड़के वो शादी हो जाए लड़के के बाप डांस कर रहा है जी, इतना बुढ़ा होकर डांस कर रहा है, हाँ डांस नहीं कर रहा, खुशी नहीं, खुशी नहीं है इसको, हर जगह सवाल है। तो आपको दिल है तो डांस कर लो, नहीं है तो मत करो, बोलने ही जैसे आप हो वैसे रहेंगे, वो बात वैसे की वैसे निकल आएगी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य नेचुरल नथिंग होगा, ब्रह्मचर्य में सेक्स तो करना ही पड़ेगा क्योंकि दैट इज नेचुरल, पोलन ग्रेन जो है वो दूसरे फूल पे गिरेगा ही गिरेगा, दैट इज नेचुरल, फर्स्ट टाइम का क्या है यार, उसके बिना तो सृष्टि खत्म हो जाएगी ना, प्रजनन एक क्रिया होगी ना, तो है ही है, अट्रैक्शन तो है ही है, अट्रैक्शन नहीं होगी तो कट्ठे कैसे रहेंगे, आप पढ़ने आयो मैं पढ़ाने आयो दोनों तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आज की कक्षा समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप नक्षत्र सवलॉर्ड और जो है उसका ऑर्डर याद करके आएंगे, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी, बस और एस्पेक्ट भी याद करके, क्या याद करके आएंगे सर, केतु वीनस सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मर्क्यूरी जो ऑर्डर का, ये तो लास्ट टाइम में भी यही काम आने है, इसको इसके अलावा एस्पेक्ट्स तो चेक कर लेना, आपके हॉरोस्कोप आपके पास होंगी, नहीं होंगी तो मेरे को बोल देना, मैं दे दूंगा, आप ट्राई करना एस्पेक्ट्स, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, नक्षत्र कैसे याद करने हैं इसके, हां नक्षत्र कैसे याद करने हैं, नहीं नहीं नाम नहीं याद करने, बस ये ऑर्डर है, बस ये ऑर्डर, ठीक है और कुछ नहीं, नाम नहीं याद करने, अश्विनी बानू गुप्ता उन्होंने मेरा पूरा पूरा वास्तु पुष्य वो सब विश्लेषण वो नहीं याद करने, वो फायदा हो जाएगी,
स्टाइज कौन याद करेगा बैक बेंचर बैक बेंचर टीचर वो अलग अलग नाम होंगे सबके ज्येष्ठा जो थे ना ज्येष्ठा ज्येष्ठ मीन्स बिग सो दैट इज द बिगेस्ट नक्षत्र दैट स्टार वन ऑफ द स्टार इन दैट पर्टिकुलर क्लस्टर ऑफ स्टार इज द बिगेस्ट ह्यूज मतलब हजारों सन जितना ह्यूज है तो इसलिए उसको कह दिया ज्येष्ठ इतना बड़ा कोई और दिखाई नहीं तो इसलिए उसको ज्येष्ठ नाम रख दिया तो बाकी के क्यों क्यों नाम रखे हैं मेरे को सारे के व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दैट प्लैनेट ऑफ दैट स्टार ज्येष्ठ मैंने पूछी हमारे को मतलब नहीं हमारे तो वो किसका लॉर्ड है बस बात खत्म हो जाती है एस्ट्रोनॉमर है ना पहले तो एस्ट्रोनॉमी आई तभी एस्ट्रोलॉजी आई तो पहले उन्होंने कहा ये वाला स्टार है ये वाला स्टार है ये इसका नाम है ये इसका एस्ट्रोलॉजर ने तो नाम नहीं रखे ना सन मून मार्स तो एस्ट्रोनॉमर ने रखे फिर उससे एस्ट्रोलॉजी मिली उसका इफेक्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं उसका कोई स्पेशल बात नहीं कि ज्येष्ठ के अंदर कोई प्लैनेट चला गया तो इट विल गिव अ स्पेशल इफेक्ट बिकॉज इट इज बिहाइंड बिग स्टार इज बिहाइंड इट ऐसा कुछ ऐसा कुछ नक्षत्र से किसी के नेचर पर भी फर्क होता है क्या नहीं नहीं वो नक्षत्र का मतलब होगा चंद्रमा किस नक्षत्र में जब हम नक्षत्र बोलते हैं ज्योतिष में तो इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारा चंद्रमा किस नक्षत्र में सिर्फ नक्षत्र के बेस पे हम नेचर नहीं बताएंगे हम जो है कलेक्टिव सब प्लैनेट्स को देख के नेचर बताएंगे नौ ग्रह हमेशा नौ ग्रह देखेंगे क्योंकि एक प्लैनेट से रिजल्ट नहीं एक नक्षत्र सारे कलेक्टिव देखेंगे तो वे 27 टाइप के होंगे ऐसा नहीं है 27 नक्षत्र 27 ही नेचर होंगे ऐसा भी नहीं है 12 साइन है ऐसा भी नहीं है फिर साइन ही है नक्षत्र वो है फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फिर मैं क्या बोलूं तो मैं समझा दूंगा प्रेडिक्शन में आया है हेलो सर हां जी आपके सामने जस्ट एक्सपीरियंस है उसको मैं रिलेट करके पूछना चाहता हूं कि मैं एक्सपीरियंस लेना भी चाहता था आई वेंट टू अ नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हु यूज्ड टू रीड दैट पट्टी पट्टी वाला जस्ट टू समराइज इट उसने मेरे को 40-50 मिनट बिठाया हजारों पट्टियां निकाली और फिर एंड ऐसा किया कि इतने सवाल पूछे कि एक उसमें के आधे जवाब तो मैं सवाल पूछते पूछते उसको देता गया देन ही समराइज्ड एवरीथिंग बोला आपकी पट्टी मिल गई गिव मी द रिजल्ट पॉइंट इज ही गेव मी अ फैक्ट और ही गेव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट माई पास्ट जन्म सर कि मैं कोई प्रांत में था ये था साउथ इंडिया में और उसके ये सब है एंड उसने उसके कुछ पूजा वगैरह बताई जिसका खर्चा वर्चा सब 40-50 हजार है फिर साउथ भी जाना है वगैरह वगैरह पॉइंट इज टू टेक एक्सपीरियंस दैट इज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मीटिंग सेकंड इज सर उन्होंने बताया कि पास्ट जन्म के बारे में डिटेल चाहे कोई भी शास्त्र हो इंडिया का भले वो नाड़ी हो अपना ये हो या फिर एनी ऐसा कोई है जो पास्ट जन्म के बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या दैट ऑल इज फेक पहले तो सर आप जहाँ गए हैं उसका हमारा नाड़ी ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं क्योंकि उनका ज्योतिष तो है नहीं पहली बात तो ये समझ लेते फिर उन्होंने पत्ता निकाला पत्ते में जो लिखा आपको बताया हम मान लेते हैं कि उन्होंने ठीक किया वो दे पीपल आर नॉट फ्रॉड पीपल ये मान के चलते हैं क्यों हम मानेंगे फ्रॉड लेकिन तो उसमें पहली चीज है कि उन्होंने जो पत्ता देखा उससे पढ़ के बताया और उसने पत्ते में जो लिखा उसी से फ्यूचर बताया उसी से पास्ट लाइफ बताई उसी से प्रीवियस बर्थ बताया उसी से फ्यूचर बर्थ भी बताया होगा ऐसा मुझे तो उन्होंने कोई ज्योतिष तो प्रयोग ही नहीं की तो पहले तो वो ज्योतिष नहीं है पहली बात दूसरी है क्या वो फ्रॉड है या नहीं अगर आपकी प्रेडिक्शन ठीक आ जाती है तो दे आर नॉट फ्रॉड्स सिंपल मैट्रिफिलिंग इट्स नॉट अबाउट माय एक्सपीरियंस पॉइंट इज तीसरा जो है कि पास्ट लाइफ और फ्यूचर लाइफ ये तो सर हम वेरीफाई नहीं कर सकते सो मैं जो मर्जी कह दूं कि भी आप पिछले जन्म में महाराजा पटियाला थे तो मैं सभी को यही कहता हूं नॉर्मली तो ठीक है जितनी भी कुड़ियां जनानी आती है सभी को कहते हैं किसी को कहता हूं मैं तू वो महारानी लक्ष्मी बाई थी किसी को कह दो तुम सरोजिनी नायडू थी जो मर्जी कह दो तो उसको वेरीफाई तो किया नहीं जाता उसका तो कोई अर्थ भी कोई नहीं है ठीक है ना सर लेकिन जो फ्यूचर जो प्रेडिक्शन अगर आपकी इसी जन्म की ठीक आ गई तो बहुत बढ़िया है तो दे आर नॉट फ्रॉड्स हाँ अब बोलो सर सर नो आई एम नॉट सेइंग फ्रॉड्स हो सकता है वो शास्त्र हो एज फार एज दिस जन्म इज कंसर्न बिकॉज वी हैव अ सिस्टम उसमें भी कुछ सिस्टम हो शायद आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज देयर अ सिस्टम लेट इट बी एनी सिस्टम
that gives the truth about your past Janma and future Janma. I just am interested in the system. Let it be anybody's. मैंने उसका आपको जवाब दिया, जवाब मेरा ही है कि वो वेरीफाई नहीं किया था. जब वो वेरीफाई नहीं किया था तो मैं कैसे बताऊं कि वो सिस्टम ठीक है या गलत है? सिस्टम तो मेरे पास है, लेकिन जब मैं उसको वेरीफाई नहीं कर सकता तो फिर पता नहीं ना सर वो सिस्टम है या नहीं है. 25 सिस्टम है, सभी कह रहे हैं मेरे ठीक है. जब वेरीफाई नहीं होता फिर हम उस पर बिलीव नहीं कर सकते. मैं ये कह रहा हूं. ओके, बाकी अपना मैं आपको वो बता देता हूँ एक्सपीरियंस. आई हैव बीन टू दीज पीपल एंड आई हैव सेंड सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स. मेजोरिटी का जो प्रेडिक्शन है ठीक है, कुछ का बिल्कुल गलत है. तो या तो उनको देखने की गलती है या क्या गलती है मैं कह नहीं सकता. मेरी प्रेडिक्शन जो उन्होंने करी है सारी ठीक है, अदर देन आई विल हैव मनी इन लाइफ. वो नहीं आई अभी तक, लेकिन वो मुझे उम्मीद हो रही है, आ रही है थोड़ी थोड़ी. आपसे बताओ सर, क्वेश्चन ये है कि हम मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि हमारे बारे में प्रेडिक्शन करो, हमारे आज के बारे में और हमारे फ्यूचर के बारे में. पास्ट के बारे में मोस्टली कोई इंटरेस्ट नहीं होता. तो हम सर लोगों की प्रेडिक्शन करते हैं, पर सर ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम अपनी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं? पत्री तो देखनी है यार, अपनी है या किसी की, उससे क्या फर्क पड़ता उसने आपको मोस्टली बातें बताई, उसमें सारी ठीक निकली, सिर्फ एक नहीं निकली सही जो पैसे बारे में नहीं बताई. तो इसका मतलब सर आप अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं अपने खुद की? अच्छा अच्छा, मतलब आपको ये डाउट हो गया मैं कर, हाँ वो बात मैं ऐसा ठीक है सवाल है यार जवाब है. मैं जो है एक तो एस्ट्रोलॉजर हो गया सर, दूसरा मेरी एक है कि मैं पढ़ाता हूँ. तो स्टूडेंट आस्क मी व्हाट इट इज, जब तक मैंने उसको फील नहीं किया तो मैं क्या जवाब दूं? तो इसलिए मैं चला गया. तो मैंने नहीं उसको डिस्क्लोज किया मैं क्या हूँ, तो मैं फील लेने के लिए क्या है. फिर मुझे वो बंदे ठीक लगे तो मैंने जैसे आपसे डिस्क्लोज किया तो मैंने कहा आप भी चले जाओ यार, क्यूरियोसिटी हर एक को होती है, लेट सी व्हाट दे से. तो ठीक है, but what they say is something sometimes more polished than what we can see, and certain things they are more polished than what we can see. मैं ये तो बता सकता हूँ कि आप मतलब कि आपकी मैरिज होगी कब, आपके पास व्हीकल ये परचेज करोगे, ऐसा हो सकता है. वो ऐसी चीज बताते हैं जो थोड़ी सी ना थोड़ी आपको अलग से एक फीलिंग देती है. जैसे वो बताया कि उमंग जी पिछले जन्म में आप श्री रंगम जगह में रहते थे. अब मैं तो नहीं बता श्री रंगम, वो ये कनेक्ट कर देते हैं कुछ चीजें की जो मैं नहीं कर सकता. उन्होंने बोला आप इस समय पे तीन काम कर रहे हैं और आपकी मदर के डेथ हुए 6 महीने हुए. अब ये हम नहीं बता सकते अपनी ज्योतिष से. अभी सर एक इसको इस कनेक्शन में मुझे ये बताया, मतलब वेरी फनी बताया कि पिछले जन्म में ऐसा ही कोई गांव का नाम बता दिया जैसे आपने बताया, और आपके बोला काफी अफेयर्स रह चुके हैं उस जन्म में, और तो इस जन्म में उसका आपको इफेक्ट होगा. तो इस जन्म में महिलाओं से थोड़ा सावधान रहिए, और अदरवाइज यू विल बी हैव ग्रेट डिफिकल्टी. तो मुझे सावधानी कर, जैसे आपने भी बताया, लेकिन महिलाओं से सावधान नहीं रह सकते सर, क्योंकि आप मेल हो तो महिलाओं से क्या करो फिर बात ही गलत कह रहा है सर. महिला से लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग होती है सर. अभी ऐसा है ना वो कुछ I had different problems. Okay, no, I had different. I had court cases with females.
with females. Yeah, male, females. Yeah, females. Like is मेरे यहाँ पर जो ज्वेलरी की मेरा शोरूम है इधर डकैती बढ़ी थी वो फीमेल ने डाली थी. क्या बात है. क्या बात है. तो सर जैसे एस्ट्रोलॉजिकल आपने कभी ऐसा आइडिया लगाया था कि कहीं मेरे साथ ऐसा हो सकता है या होने के चांस. नहीं हम ये थोड़ा बता सकते फीमेल डकैती करेगी ये तो नहीं बता वो ही बताने जा रहा हूँ. ये तो पता चलता है कि भाई पैसे का लॉस होगा डकैती होगी ये सब चीजें पता चल जाती है. मैं बात कर रहा बीच में रुक गई बात कि उसने बताया तीन काम कर रहे हैं. एक काम कर रहे हैं आप हॉस्पिटल इक्विपमेंट ट्रेडिंग करते हैं. ये मैं नहीं बता सकते हम ज्योतिष से एग्जैक्टली हॉस्पिटल इक्विपमेंट ट्रेडिंग. दूसरा उसने बताया आपका कार का वर्कशॉप है. ये हम नहीं बता सकते कार का वर्कशॉप. फिर उसने बताया आप ज्योतिष भी करते हैं. एंड में उसने बताया सारा बता के आप ज्योतिष भी करते हैं और आपने बुक्स लिखी है और बुक्स में कुछ फॉर्मूला है. अब ये बुक में फॉर्मूला नहीं कैसे हम बताएं. और ज्योतिष का फॉर्मूला है और ये जो बुक है आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होगी. और एक कुछ लोग आएंगे फॉरेन से जो आपसे सीखेंगे वो इसको ट्रांसलेट करेंगे. अब मुझे क्या पता है. फिर उसके बाद जो ये चीज है ना ये हम नहीं बता सकते. फिर उसके बाद ये बता हम ये लिख देंगे क्या देंगे ये बुक लिखोगे. फिर वो उसमें लिखा उसने बोला कि ये जो हॉस्पिटल इक्विपमेंट है मतलब आप तीनों में कुछ नहीं कमा रहे टाइम कोटी कर रहे और अब जो है आपका लेडीज से कोर्ट केस शुरू होने वाले. मुझे क्या पता लेडीज से कोर्ट केस शुरू होने वाले समझ में आया. लेडीज से कोर्ट केस नहीं समझ आता. लेडीज से बहुत बेनिफिट होंगे लेडीज से नुकसान होगा. अब ये नहीं समझ आता वो जो ट्रांसलेट की जिसने किताब वो सब वो दैट वॉज डन बाय लेडी. मुझे क्या पता मैं ये तो नहीं बता सकता कि लेडी आएगी पढ़ने भाई तेरे से मेरे को क्या पता कैसे पता है. ये हमारी जो कुछ नहीं बता सकते. I feel no science is complete in itself. The more knowledge you have, the more accurate. This is not knowledge. This is knowledge of Rishi Muni written in that palm leaves which we are with their reading. So certain things they tell. ठीक है. अच्छा ये आप जो बता रहे हैं वो palm leaves की reading बता रहे हैं अच्छा. फिर उन्होंने बताया कि court case होगा court case होगा court case होगा फिर तब फिर court case होगा फिर उसके बाद फिर court case होगा फिर उसके बाद फिर court case. कितने केस हो गए अभी. 6 5 तारीख तारीख तक. फिर उसके बाद टीचिंग का बताया उसने. फिर उसने कुछ और चीज बताई वो अब लगता है ठीक है. बिफोर यू स्टार्टेड टीचिंग ही प्रेडिक्टेड दैट यू गेट इनटू टीचिंग. नो नो आई वाज टीचिंग देयर एट दैट टाइम आल्सो. आई वाज टीचिंग ऑन 98. आई वेंट टू देम ऑन 30th ऑफ मार्च 2001. अच्छा 2002. माय मदर डाइड ऑन 30th ऑफ सितंबर 2001. तो एग्जैक्टली 6 महीने हुए. बोला आपकी मदर को मरे हुए एग्जैक्टली 6 महीने. मेरा क्वेश्चन यही पे आपके पास. लाल किताब में भी बिल्कुल एग्जैक्ट बता देते हैं. एग्जैक्ट क्या मेरे को जानकार थे दवाइयों की दुकान है उस पर दवाइयां बेचने आता है वो लाल किताब की नॉलेज भी रखता. उसने बोला कि बताते हैं बोल लेंगे लगी. अभी रिसेंटली आपके ब्लड रिलेशन में महीने भर के अंदर अंदर आपके घर में डेथ हुई है. ब्लड रिलेशन वो तो दुकान छोड़कर उसे घर ही ले गए. तुम्हें कैसे बता दिया. नहीं ये जो है ना सर आप बात कर रहे हैं लाल किताब में कोई सर कैंसर से बताया कि कैंसर से डेथ हुई. सर मुझे नहीं पता किस तरीके बताए. मैं ये कह रहा हूँ जो लाल किताब से प्रेडिक्शन नहीं हो सकती. वो जो मर्जी कहता हो अलग चीज. अरे मेरे क्या कह रहा हूँ ना आपको लाल किताब से कोई प्रेडिक्शन नहीं हो सकती ना लाल किताब में कोई उपाय है. वो ऐसे ही प्राण किताब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ड्रामा ऐसा आप सही जिसे जिसे प्रेडिक्शन लिए कहाँ पे है. दिल्ली में. हाँ सर दिल्ली में. ये है ना ये देखो सर ये बंदा है जिसने लाल किताब लिखी है. इसकी शक्ल से आपको पता चल जाएगा. इसकी शक्ल से आपको बताए तो लाल किताब का कोई बेनिफिट नहीं हुआ. दूसरा जो है कि हमारे एक स्टूडेंट हैं ठीक है ना वो उन्होंने लाल किताब पढ़ी तो उनको लगा कि भाई जिसने लिखी उनके घर जाके देखो.
बताया था आपने बताया तो वो भी सारे घर वाले ही भागे पड़े हैं तो कहाँ से लाल किताब में रेमेडी है भाई। अब सर यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है इसमें बताते हैं कि पिछली तीन पुस्तक आगे की तीन पुस्तक में सारी डिटेल है लाल किताब में अब उनकी खुद की खराब है झूठ झूठ पर ये कैसे बता दे कि कैंसर से तुम्हारे ब्लड रिलेशन में भैया किसी और चीज से बताया होगा जो उसने लाल किताब से वो तो बताया होगा कई विद्यालय से जो क्या करते हैं आपको कालसर दोष आपको नहीं पता कालसर क्या तो आपको डरा रहे हैं वर्ड टर्म यूज करके मुझे आनु है आपको नहीं पता लाल किताब क्या ही इज यूजिंग द टर्म लाल किताब बिकॉज यू आनु है ऑफ लाल किताब। भैया जी मैं गया था मैं कॉन्फ्रेंस तो मेरे थोड़ा कोई जान करते वो ले गए कि इसके बाद इलेक्शन होने वाले थे वो ले गए जितनी स्टैडलर जी के पास जब इलेक्शन होता है तो दी पीपल दे वांट टू कम आउट वो कैसे नॉट फिर जहां पर भी पब्लिक मीटिंग्स हो तो वहां जाए आए लोगों में ताकि वोट बना सके। तो वो बोले जी मेरे पास हमने बोला जी एक बुक जो है वो रिलीज करनी है उसके लिए आपको बनाने आए बोले जी ठीक है मैं आ जाऊंगा हाउ मेनी बी गैदरिंग में दैट विल बी 500 बोला ठीक है। तो वो बोला ये ज्योतिष ज्योतिष आप करते हो ये सब फ्रॉड चीज है आदमी को अपने अंदर भरोसा होना चाहिए वो तो मेरे तो पब्लिक लाइफ है सब जानते हैं मेरी बीवी बच्चे वो तो आप जैसे लोग आते हैं हमारे पास हमारी पता भी बातें हम ही बता जाते हैं वो तो हम भी हंस के सुन लेते हैं वो तो आपको बोलेंगे नहीं जी आपने ऐसा किया तो वो कटते हैं हम किसी को दुश्मन भी नहीं बना सकते हमारी पब्लिक लाइफ है मगर ठीक है सर। तो आप मैं आपके बारे में चार बातें अगर जान गया आप ही को बता दी आप तो इम्प्रेस हो जाओगे ना सर। अब एक तो ये हो सकता है दूसरा हो सकता है उसके पास भी ज्ञान हो जो तो ना जो सारा ज्ञान उमंग करने का बात है नहीं अब मैं आपको आगे की बात बताता हूँ अब उसने मैं भी परेशान चला था उसने बोला कि यार इससे मिल ले तू कुछ मेरे तो एकदम एग्जैक्ट बताया आपको मैं भी उसके घर चला गया यूं होता बढ़ता था तो उसने मेरे को बताया भाई आपका ये चल रहा आपका ऐसा ये ऐसा कर लो ना कहिए तो मैं तेरे घर के बारे में ऐसे बता दूंगा मैं नहीं मिला उसके घर वालों से तो उसके बीवी बच्चे ही बाहर आ गए थे मेरे बेटे के बारे में बताओ मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी मैंने तो ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी बात क्यों कर रहे हो कॉन्ट्रडिक्टरी बात मत करो ना जी मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं भी तो बता रहा हूं तो बात भी कर रहा हूं खुद ही आपने बात काट दी। चलो नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं सुबह 10 बजे ब्रेक के बाद। थैंक यू सर। राइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू।